बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुबह की सोच। मैं हूं नम्रा तारिक। गुड मॉर्निंग जी, मैं हूं हुसैन लियाकत। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। जल्दी से जिन लोगों ने अभी तक टीवी ट्यून नहीं किया, ट्यून कीजिए और हमारा साथ दीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑब्वियसली वो ट्यून कर चुके हैं और हमें देखने लगे हैं अब इसके बाद हसनैन, और आई होप सो कि वो हमारी सुबह की सोच को फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड देखेंगे और एंजॉय करेंगे। Exactly. क्योंकि हम बड़े मजेदार किस्म के टॉपिक्स आज कवर करने जा रहे हैं। पॉलिटिक्स की भी बात होगी, दीगर कुछ अहम टॉपिक्स उन पर भी बातचीत होगी, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट में आपको बताती चलूं कि इमरान खान का बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में जमहूरियत को खतरात पर आवाज उठाने का मुतालबा। ये वही इमरान खान साहब हैं जो कभी अमेरिका से कहते हैं कि जमहूरियत के लिए आवाज उठाई जाए, और ये वही इमरान खान हैं जिन्होंने अभी एक और जगह पे जाके रिक्वेस्ट कर दिए जमहूरियत पे आवाज उठाने के लिए, और फिर नैरेटिव भी बनाते हैं कि उनकी हुकूमत को गिराने में अमेरिका का हाथ है। खैर, इस पे भी बात होगी। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने किसी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाने का ऐलान कर दिया। ये बहुत बड़ा ऐलान था जी, कल का बहुत बड़ा ऐलान है, उस पर बातचीत होगी प्रोग्राम में आगे जाके। और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बुशरा बीवी को सानिया नोमे के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दी है। ये एक खबर आप कह सकते हैं, वो खबर है जो तहरीक इंसाफ के फेवर में कल हमारे सामने आई। दूसरी जानिब अगर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की बात की जाए, तो उन्होंने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम लिए बगैर कहा कि किसी ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, बिजली सस्ती करना बेवकूफी है, तो उस पर हंसी आ गई। और उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अगर बिजली सस्ती करना बेवकूफी है तो क्या करप्शन के पैसे जेब में डाल के घूमना, क्या ये दानिशमंदाना फैसला है? तो वो उन्होंने करप्ट किसको कह दिया, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। खैर, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज से रावलपिंडी में शुरू है। आप एक्साइटेड है? एग्जैक्टली, वेरी मच एक्साइटेड। लेकिन जो अगली खबर है वो एक्साइटमेंट वाली नहीं है। लाहौर के सर गंगाराम हॉस्पिटल में जेर इलाज 5 साल की बच्ची से स्वीपर की मुबैना ज्यादती की कोशिश। बिल्कुल जी, और ये बड़ी अफसोसनाक खबर है, इसमें डिटेल पे बातचीत होती है। फिर कराची के 11 साल मोहम्मद हसनैन ने अपनी गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए AI असिस्टेंट रोबोट तैयार कर लिया है। एंड वी डेफिनेटली आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, और आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एक अहम मौजू पर जो है हमारी जिंदगी के नफसियाती पहलुओं से जुड़ा हुआ, कि हमारी जिंदगी के नफसियाती पहलू बहुत सारे जिनको हम उजागर करेंगे। Exactly. लेकिन हसनैन, मेरे ख्याल में सबसे पहले नाज़रीन के साथ हमने टॉप स्टोरीज शेयर की हैं, तो जमीयत उलमा इस्लाम JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने किसी इत्तेहाद के बगैर आगे चलने की बात की है, और ये एक बड़ी खबर थी जी कल की, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सब ने देखी। और बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले अगर टॉकिंग टाउन स्टोरीज के ऊपर बात कर ली जाए, तो पाकिस्तान ने कल एक मार्क का सर अंजाम दिया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के हर बच्चे को, हर शहरी को मुबारक हो। पाकिस्तान ने कामयाबी से शाहीन 2 सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल का तरबियती तजर्बा किया है। ISPR के मुताबिक इस तजर्बे का मकसद फौज की तरबियत और तकनीकी मयारात की तस्दीक करना है। इस तजर्बे का जो मकसद था वो यही था कि हमारा जो दिफाई निज़ाम है, जो मुख्तलिफ दिफाई निज़ाम है, मुशाहिदा है, उससे स्ट्रेटेजिक इदारों के जो सीनियर लोग हैं उनके हवाले से कि उन्होंने इसका मुशाहिदा भी किया, और ये जो हमारी दिफा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और इस पर प्राइम मिनिस्टर ने भी, सदर ने भी, तमाम तर इंजीनियर्स को और जो फौज है उनको मुबारकबाद भी पेश की। बिल्कुल ऐसा ही है, और इस पे आपको भी मुबारक हो, मुझे भी मुबारक हो, हमारे देखने वालों को भी मुबारक हो। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट खबर है जी, वो ये कि आलमी इदारे सेहत ने ये बात वाजे कर दी। हम लोग, क्योंकि जब से एमपॉक्स के बारे में खबरें आना शुरू हुई कि पूरी दुनिया में ही बल्कि ये फैल है, पाकिस्तान में भी इसके केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए खुदा नवास्ता, तो हमने ये समझा कि ये कोविड की कोई टाइप है। तो अब इंटरनेशनल जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है। नाउ दिस इज एविडेंट कि ये कोई एमपॉक्स जो है ये कोविड की नई किस्म नहीं है, और इस वायरस के बारे में पहले ही काफी मालूमात मौजूद है। इदारा जो है ना, यूरोप के जो डायरेक्टर हैं उनके मुताबिक एमपॉक्स के फैलाव को रोका जा सकता है और आम आबादी को इससे ज्यादा खतरा नहीं है। और उन्होंने साथ ये भी बताया कि एमपॉक्स की
मुंतकली जिस्मानी तामल से होती है और इस वबा को काबू में रखने के लिए वैक्सीनेशन और राबतों में तब्दीली अहम है। ये फिजिकली अगर आप इंटीमेट रिलेशन में किसी के साथ तो उसके जरिए फैलने के जो है ज्यादा खतरात होते हैं, सो उसको कंट्रोल करने से ये बीमारी कंट्रोल की जा सकती है। बिल्कुल ऐसी है, जिससे निमरा ने आपको बताया है कोरोना की तरह की ये बीमारी नहीं है, एमपॉक्स की बीमारी, इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है और इसके खतरात भी उस तरह के नहीं है। ये आपको अपेरेंटली आपकी जिल्द के ऊपर नजर आती है, लेकिन कोविड एक ऐसी बीमारी थी जो कि आपको अंदर ही अंदर खा जाती थी। इसके अलावा कल हमने निमरा आपको उम्रे की भी दावत दी थी और हमने आपसे ये शेयर किया था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के किराए बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। तो आज जो लोग हमें सुन रहे हैं, फिर मैं क्योंकि निमरा के अंदर से वो जो तलब है उसको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस हवाले से मेरे साथ एयरलाइंस, हर मुसलमान की जाग रहती है वैसे। और एयरलाइंस काफी ज्यादा कॉपरेट कर रही हैं। सऊदी अरब की कौमी एयरलाइन सऊदीया ने पाकिस्तानी और दीगर नेशनल्स के लिए जद्दा और रियाज आने पर 50% तक की छूट के साथ एक खसूसी प्रोमोशनल ऑफर मुतारिफ करवाई है जो 1 सितंबर से शुरू होगी। और इस ऑफर के जरिए जो मुसाफिर हैं उनके लिए एक स्लोगन रखा गया है, योर टिकट योर वीजा, और इस सर्विस से भी आप फायदा उठा सकते हैं जो इन्हें सऊदी अरब में 96 घंटे तक क्याम, मुख्तलिफ इलाकों की सैर, हत्ता कि उम्रे की अदायगी की इजाजत भी देगा। और सऊदीया में निमरा अब उम्रा सिर्फ आप बहुत सारे लोग ना पहले हज उम्रा करने जाते थे, अब सऊदी अरब में आप बहुत सारी और चीजें भी करने जा सकते हैं वहाँ पे। इस तरह की लिखा है ना, फैसिलिटीज हैं, हम बता रहे हैं exactly. कि जो हमारे सामने खबर भी आई थी उसमें यही लिखा था कि आप सैर और तफरी भी कर सकते हैं, इफ यू वांट टू परफॉर्म उम्रा देन यू कैन परफॉर्म उम्रा एज वेल। ये बड़ी एक अच्छी ऑफर है, सऊदी गवर्नमेंट को भी यहाँ पे अप्रिशिएट करना बनता है और फिर हमारी जो तलब है मुसलमानों की जरूर उम्रा करने की, वो मुकदस मकामात देखने की, वो हमेशा जागती रहती है और वो जो तड़प होती है वो ज्यादातर लोगों के अंदर होती है, हर मुसलमान के अंदर होती है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात की जाए, गुर्बत है, उम्रा होता है इतना महंगा, तो लोग परफॉर्म नहीं कर सकते। सो दिस इज अ गुड न्यूज कि हम सब उम्रा करने वाले जो भी लोग हैं जो चाहते हैं कि उम्रा करें वो अब उम्रा कर सकते हैं। अच्छा, एक और खबर है पेरिस ओलंपिक से मुतालिक, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं चाहती हूँ कि वो आप शेयर करें इफ यू वांट टू, वरना मैं बताती हूँ। पेरिस ओलंपिक्स की अगर बात की जाए तो 2024 में चांदी का तमगा जीतने वाली 18 साल चीनी एथलीट हैं जो कि वतन वापसी पे हमें रेस्टोरेंट में नौकरी करती हुई नजर आई। यस, वेटर की नौकरी बल्कि उन्होंने शुरू की है। सोशल मीडिया पर उनकी ये वीडियो वायरल हुई जिसने लोगों के दिल जीत लिए। ये जो एथलीट हैं चाइनीज, इन्होंने खेलों के, हाँ जी, इनका नाम जोया केन है और इन्होंने खेलों के आलमी मुकाबले में अपनी शानदार कारकर्दगी से लेजेंडरी जिमनास्टिक जो है वो उन्होंने वहाँ पे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, जो मैचेस वगैरह थे, चांदी का तमगा भी उन्होंने जीता। और उनकी आजजी और सादगी आप देखिए कि जब वो इतने बड़े एक कॉम्पिटिशन से या इतने बड़े इवेंट से वापस आ रही हैं और अपने जो उनका मुल्क है वहाँ पे वो किस तरह से रह रही है। एक तरफ जोया हैं और दूसरी तरफ हमारे एथलीट्स हैं कि जो आ रहे हैं भाई उसके वो बाद शुरू कर देते, मतलब के उड़ना भी स्टार्ट कर देते हैं और करोड़ों की बारिश हो रही है, गाड़ियां मिल रही हैं बहुत सारी चीजें हो रही है और इसी अच्छा, वो करोड़ों जो आप एक ही बंदे पे जो अपने सिर्फ प्रमोशन के लिए ना, अपने पोलिटिकल मकासद के लिए आप कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जो आप लोगों के मुल्क का नाम रोशन करते हैं उनको अप्रिशिएट ना करें, लेकिन एक हद होती है हर चीज की। यहाँ पे एक तरफ लोग मर रहे हैं और स्पोर्ट्स की हमारी हालत देख लें हसनैन, और एक तरफ आप बस अपनी अच्छा, प्रमोशन के लिए कुछ भी। इसमें मैं थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगा कि चाइना में भी ना, जिस तरह जोया की मिसाल आपने दी, जोया हमें रेस्टोरेंट में काम करती हुई नजर आई, लेकिन चाइना में भी बहुत सारे लोगों ने ना वहां पे तो सैकड़ों लोगों ने सोने के तमगे जीते, चांदी के जीते, कांसे के जीते। कुछ को प्रोटोकॉल मिलता है और कुछ को इतना ज्यादा प्रोटोकॉल मिलता है निमरा के वो फूले समाए नहीं जाते और कुछ बेचारे जो है वो रेस्टोरेंट जाते हैं, पाकिस्तान में चले जाते हैं, पाकिस्तान में वन एंड ओनली अरशद नदीम। अरशद नदीम ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड को अगर देखा जाए या सिर्फ क्रिकेट बोर्ड की बात कर लें, दीगर हमारे जो बहुत सारे मसाइल हैं, आई थिंक सो कि उस तरफ भी अपनी नजर लेकर आनी चाहिए और जितनी अप्रिसिएशन बनती है उतनी ही मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। और निमरा, इसी के साथ एक बहुत ही अच्छी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। हम अपने प्रोग्राम में इस तरह की खबरें शामिल करते रहते हैं जो कि काफी ज्यादा इंस्पायरिंग होती हैं। अभी मेरे पास खबर यह है कि स्विट्जरलैंड में एक जोड़ा है जो कि काफी उम्र रसीदा है और उसने आजान से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया है। जी हाँ, मैं 76 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात कर रहा हूँ। ये स्विस जोड़ा है और उनकी एलिया 62 साल जिन्होंने स्विस जोड़े ने गैर मुस्लिम थे लेकिन आजान से मुतासिर होकर जब इन्होंने अपनी आबिती बताई कि हम किस तरह से इस्लाम में आए, तो उस आबिती में इन्होंने बताया कि हम आजान से मुतासिर होकर इस्लाम की तरफ आए। और मेरा ख्याल है कि
जाते जाते उन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया है ये बहुत ही जबरदस्त है। बिल्कुल, और गालिबन जो ये मोहतरम है इनका नाम हसन रखा गया इसके बाद इस्लामी नाम, और खातून का नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन इन्होंने गिमजी, ओके वेरी नाइस, इन्होंने ये नाम रखा है और इसके बाद इन्होंने अपना एक नया रूहानी सफर शुरू किया है। और हम उनको गुड लक भी कहते हैं, पता नहीं हमारी वीडियो तक पहुंचेगी या नहीं, बट दैट वाज अ गुड न्यूज। बहरहाल उनके लिए अच्छी खबर इस वजह से भी है कि वो जैसा हमने बताया ना कि आखिरी उनके लम्हात चल रहे हैं। 76 साल और 62 साल, ये तो किसी को नहीं पता कि आखिर किसके चल रहे हैं, बैग भी पाडल, लेकिन ये है कि उमर रसीदा जोड़े को अल्लाह ताला ने आखिरी वक्त में जाके इस्लाम की रोह मुनव्वर किया है। और मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को जो इस्लाम के साथ एसोसिएटेड है उन लोगों को इसकी कीमत का पता होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ी अच्छी खबर थी एन पे। और मेरे ख्याल में इस सेगमेंट से हमारे पास आज के लिए इतनी ही खबरें थी जी। अभी हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कल मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा, इमरान खान की तरफ से क्या हो रहा है अडियाला जेल में क्या, और इस पर बातचीत होती है एक ब्रेक के। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब जो वाकया है जो आपके साथ बयान कर रहे हैं ये बड़ा अजीब व गरीब है, दर्दनाक है। पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात रिपोर्ट होते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो दर्दनाक वाकया है वो लाहौर के गंगाराम हॉस्पिटल में एक 5 साल बच्ची थी जो कि ज़ेरे इलाज थी, उसके साथ पेश आया। और स्वीपर की मुबैना ज़्यादती का ये वाकया है। सफाई वाले ने न्यू इमरजेंसी की 3री मंजिल पर ज़्यादती की कोशिश की, हस्पताल की इंतज़ामिया खामोश तमाशाई रही। बाद में इंतजामिया ने इस वाकये को जुटलाने और इससे मुकर जाने की हरकत सामने इंतजामिया की जानिब से, और जो मुलजिम था उसको प्रोटेक्ट करने की एक कोशिश हमें नजर आई हॉस्पिटल के इंतजामिया से। मकरू हरकत के लिए इस मुलजिम को जो हॉस्पिटल की इंतजामिया है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती रही। इस दौरान विक्टिम जो है वो बच्ची 5 साल, उसकी वालदा ने हस्पताल इंतजामिया को तहरीरी दरख्वास्त दे दी, और वहां मौजूद आम शहरियों में इश्तियाल बढ़ने लगा। तो फिर जो हॉस्पिटल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है उन्होंने सामने आकर ऐलान किया कि उन्होंने इस जुर्म में मुलविस मुलाजिम को हस्पताल के काम से अलग कर दिया है। दैट वॉज द मैक्सिमम दैट आई वॉज एक्सपेक्टिंग, और एग्जैक्टली यही हुआ, और इसके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गंगाराम हॉस्पिटल में स्टूडेंट्स ने गंगाराम नॉट सेफ और जुल्म जो है छुपाना बंद करो के नारे लगाए, और ये हैशटैग वगैरह बन के हमारे सामने। अली नासिर रिपोर्टर हमारे हैं लाहौर से, हमारे साथ मौजूद है, मजीद डिटेल्स उनसे जानते हैं। अली अस्सलाम वालेकुम। अली ये बताइएगा कि हमारी खबर के मुताबिक ये मुबैना ज्यादती करने की कोशिश की गई, क्या ये हो पाया या नहीं, और मजीद क्या इसकी डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये इस वाक्य को तकरीबन 2 दिन हो चुके हुए हैं, और जो FIR कटी है उसके अंदर लिखा है कि इसके साथ हरासमेंट की गई, यानी कि उसने सिर्फ हाथ फिरा, जबकि जो वहां के लोग हैं उनका ये कहना था जिन्होंने पकड़ा इस बंदे को, उस मुल्जम को, उन्होंने कहा कि ये ज्यादती की कोशिश कर रहा था। बाद जब ये रिपोर्ट अस्पताल इंतजामिया तक पहुंची तो उन्होंने फिलहाल मामले को दबाने की कोशिश की, क्योंकि गंगाराम अस्पताल की क्रेडिबिलिटी का मसला था, एमएस की बदनामी का मसला था। तो उन्होंने वक्ती तौर पर तो जो मुलाजिम था उसको मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया, और जो लड़की बच्ची की वालदा थी उनसे तहरीरी दरख्वास्त लिखवा ली कि आप हमने जो कार्रवाई की आप इस पर मुतमाइन हैं। ये मामला तो यहाँ पर रुका नहीं, जो यहाँ पर फीमेल डॉक्टर्स थे, जो नर्सेज थी, जब ये इतला उन तक पहुंची तो उन्होंने एक बड़ा धरना देना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये एमएस लड़की मुलजम को बचाने की कोशिश कर रहा है, एमएस को मुअत्तल होना चाहिए। उनके प्रोटेस्ट की एक सबसे बड़ी वजह यह थी, एक तो 5 साल बच्ची के साथ जो ज्यादती का वाकया पेश आ गया, मुबैना ज्यादती का एक वजह यह थी, उसके साथ दूसरी वजह यह थी कि यहाँ पर नर्सेज भी काम करती हैं, लेडीज डॉक्टर भी काम करती हैं, उनके साथ भी बार दफा इस किस्म के वाकया हरासमेंट के देखने में नजर आते हैं। तो उनका ये मुतालबा था, एक तो एमएस को फुल तौर पर सस्पेंड होना चाहिए, मुअत्तल होना चाहिए इस वाकये के बाद, और दूसरा वो ये कहते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, खासतौर पर फीमेल डॉक्टर नर्सेज की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए ताकि इस किस्म के वाकयात जो उनसे वो देखने में नजर न आए। अब जो यहाँ पर मेडिकल के स्टूडेंट्स भी थे, डॉक्टर भी थे, उनका ये कहना है कि ये प्रेशर डालकर बच्ची के वालदेन से प्रेशर डाला गया, ये चीज लिखवाई गई है, क्योंकि वो गरीब घराने से उनका ताल्लुक है, हो सकता है कोई मुकमुका कर लिया गया हो या कोई इलाज में कोई
कमी बेशी करती गई इस वाले से मुख मुखा करके उन्होंने ये एप्लीकेशन लिखवाई है, और ऐसा वाकया बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बार बार मुलजम इसमें ताजे जा रहा है कि पुलिस की कस्टडी में ठीक हो गया। सही। अच्छा अली हमारे साथ ही मौजूद हैं, आप भी बल्कि हमारे साथ ही रहिएगा, डॉक्टर शोएब नियाज़ी जो कि तमाम तरह प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। शोएब साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, प्लीज बताइएगा आपका एहतजाज कहां तक पहुंचा, ये हुआ क्या है सब कुछ? वालेकुम सलाम मैडम, थैंक्स फॉर गिविंग द टाइम। मैडम सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि फातिमा जनाह मेडिकल यूनिवर्सिटी ये कदीम दसगाह है मेडिकल की, जिसमें सिर्फ फीमेल्स को एडमिशन दिया जाता है, और यहाँ पे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस से लेके फाइनल ईयर एमबीबीएस तक तकरीबन 3500 फीमेल्स हर साल यहाँ पे होती हैं जो कि तालीम हासिल करती हैं, और उनके यहाँ पे हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल भी मौजूद है, और वो यहाँ पे ड्यूटी फाइनल ईयर फोर्थ ईयर वार्ड्स भी अटेंड करती हैं। तो ये जो नई मदर एंड चाइल्ड की बिल्डिंग बनी है, इसका फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन फ्लोर जो है वो बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं। नीचे जो तीन फ्लोर यहाँ पे फंक्शनल है उन पर भी सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। जो सिक्योरिटी कंपनियां इन्होंने हायर की हुई है उनको ये छह छह माह से तनख्वाह नहीं देते, वो पॉलिटिकल पार्टीज की ये एजेंसियां हैं जिन्होंने ये हायर किए हुए गार्ड्स, और गार्ड्स भी जो उनकी मुकर्रर करदा तादाद होती है उसमें से निस्त भी मौजूद नहीं होते अपनी ड्यूटी पे। ये वाकया जब पेश आया इसको दो रातें और दो दिन गुजर गए जब हमने प्रोटेस्ट शुरू किया, और हम बच्चे सारे रोड पे बैठे हुए थे, पूरा मार रोड ब्लॉक था। उसके बाद डीएसपी साहब वहां पे तशरीफ लाते हैं और एक एफआईआर की कॉपी हमें देने की कोशिश करते हैं, वो भी एफआईआर नहीं थी, वो सिंपल एक पेज था जिसके ऊपर ये लिखा गया था कि एक एप्लीकेशन हमने एंटरटेन की है पुलिस स्टेशन पे और उसमें छेड़खानी का वाकया पेश आया है। जब हमने प्रेशराइज किया तो उसके बाद आधे घंटे के बाद रोड पे ही हमें एफआईआर दी गई जिसमें छेड़खानी की दफा लगाई गई थी, उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसके आधे घंटे के बाद जो हरासमेंट और मुबैना ज्यादती की कोशिश का वाकया उसके मुताबिक उन्होंने एफआईआर दर्ज की, और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जो मुतलका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस वाकये पे खामोश तमाशाई बनी रही। बच्चियों को रात को फैकल्टी की तरफ से मैसेज किए गए कि अगर आपने रोड पर आने की कोशिश की आपको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा, अगर आपने इस वाकया को सियासी रंग देने की कोशिश की तो आपके साथ आपके एग्जाम के दौरान, और ये मैसेजेस उन्होंने हमें भी फॉरवर्ड किए जिसकी वजह से मैं लाहौर से बाहर मुल्तान मौजूद था और मैं प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए आया। अब अफसोस की बात ये है कि एमएस एएमएस सिक्योरिटी और वहां से जो रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी है उन्होंने इस केस का मुद्दई बनने से साफ इनकार कर दिया, और पुलिस का एक एएसआई वो इस केस का मुद्दई है जिससे आप इस एफआईआर की हकीकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक फॉलो की जाए। डॉक्टर साहब आपको क्या वजह लगी है कि एक स्वीपर जिसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से, और डेट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि पांच साल की बच्ची के साथ ज्यादती हुई। होता तो ये कि डॉक्टर्स मसीहा होते हैं, पढ़ी लिखी कम्युनिटी होती है, उनको उस स्वीपर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, इंस्टेड ऑफ डेट वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वजह क्या है सर? वजह ये है कि यहाँ पे ये पहला वाकया नहीं है, तकरीबन 17 से 20 वाकया जहाँ हमारी डॉक्टर्स के साथ पहले हो चुके हैं। कल लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बच्चियों ने ये मीडिया को बताया, नाम लेके बताया उन बंदों के जो कि वहां के सरकारी मुलाजिम थे जिन्होंने उनकी नाजेबा वीडियोज बनाई हॉस्टल के अंदर। और जब ये इंतजामिया को आगाह किया गया तो हॉस्टल की वार्डन ने कहा कि वहां उसने वॉशरूम के ऊपर से सिर्फ झांका ही तो है और क्या किया है, मतलब है कि वहां पे रवैया इस हद तक खराब है वहां की फैकल्टी का, वहां की हॉस्टल वार्डन मैडम है, वहां पे दो एक असिस्टेंट वार्डन है और वह सर द्रास से इन सीटों पर विराजमान है, खाने उनके वहीं से जाते हैं, सारा मेल स्टाफ रखा गया है। फीमेल्स ने बारह इनको ये भी कहा कि अब जो हमारा स्टाफ है कम से कम जो मेस का स्टाफ है वही फीमेल में कन्वर्ट कर दिया जाए, लेकिन नहीं किया गया। अब हॉस्टल को जो रास्ता जाता है रात के औकात में, जब बच्चियां ड्यूटी करके कुछ सुबह इमरजेंसी करने के बाद सुबह 4 बजे वहां से निकलती हैं तो वहां पे मेल गार्ड भी उनको हरास करते हैं, और ये वाकियात तवातुर के साथ हो रहे हैं। बच्चियां सिर्फ क्योंकि दूर दराज इलाकों से आई हुई हैं वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताती कि उनको वापस बुला लिया जाएगा, और अब ये वाकयात इस हद तक हो चुके हैं कि आज भी मुझे उनकी कॉल्स आ रही हैं कि आप इस केस को फॉलो करें। और हॉस्पिटल की जो इंतजामिया है, यूनिवर्सिटी की जो इंतजामिया, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो उनके माई फादर बनते हैं, जो टीचर्स हैं, जो फीमेल प्रोफेसर हैं, उन्होंने इसके अंदर बड़ा ही गलत रोल प्ले किया है,
उन्होंने बच्चियों को तहफ़ देने की बजाय, उनके साथ हमदर्दी करने की बजाय, उस वालदा जो कि उस बच्ची की माँ थी उसको इतना प्रेशराइज किया गया कि उसके बाद वो वाकये से ही गायब है, बच्ची भी गायब है और जो आपा और मजे की बात यह है डॉक्टर साहब कि हमारी सीएम साहिबा भी हमें यहाँ पे कहीं पे गायब दिखाई देती हैं। अली नासिर के पास चलते हैं। अली नासिर, जिस तरह बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि ये तो तवातुर के साथ होते आ रहे हैं वाकयात, और इसे भी खौफनाक किस्म के वाकयात हैं वो, बल्कि तो कहाँ पे सीएम साहिबा, इन्होंने कोई इस पे एक्शन लिया? जी बिल्कुल, अभी तो ये सजाद हो रहा है, उनका मुतालबा भी यही है कि सीएम पंजाब जो कि मरियम नवाज है उनको इस चीज पर एक्शन लेना चाहिए। इससे पहले भी ये जो डॉक्टर्स हैं उनके सजाद होते रहे हैं, खासतौर पर इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उनको रखा गया, लेकिन वो भी उनके मसाइल हल नहीं हुए। तो बात तो सीएम पंजाब तक पहुंचती है, लेकिन उनकी जानेब से कोई एक्शन अभी तक तो फिलहाल नहीं लिया गया। इससे पहले भी जो सजाद होते रहे उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता रहा। तो ये सारी सूरत हाल है। अब इनका मुतालबा भी यही है कि सिक्योरिटी जो रही है वो होनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, ताकि इस किस्म के वाकयात ना हो सके। इससे पहले भी गंगाराम के अंदर मुख्तलिफ इस किस्म के वाकयात होते रहे हैं, खासतौर पर अभी तो ये 5 साल बच्ची का वाकया है जिसकी वजह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वीडियोज वगैरह भी छुप छुपा कर बनने के वाकयात है, कोई किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जाता रहा। बहाल सीएम पंजाब की तरफ से अभी तक किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया, इससे कोई एक्शन नहीं लिया गया, ये इंतहाई अफसोसनाक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया कि जब ये वाकया हुआ और आप लोगों ने इसके खिलाफ एहतजाज किया, तो हॉस्पिटल की इंतजामिया ने प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोटेक्ट करना था उन्होंने स्वीपर को, उसके लिए उन्होंने आप लोगों को किसी ना किसी तरह बहाने से टालने की कोशिश की, आप लोग नहीं टले, तो उन्होंने मुबैना ज्यादती की कोशिश तक आके इसको लिमिट कर दिया। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो कोशिश हुई होगी, वो यकीनी तौर पर या तो उसकी नाकाम हो गई वो कोशिश पकड़े जाने पर या कुछ होने से, तो अगर उसको चांस मिलता तो उसने तो करना था ना मैडम। वहां से जो एक आपा हमारी मौजूद थी जो इस चीज की यानी शायद थी, उनको भी गायब कर दिया गया है। उनको 3 दिन से हॉस्पिटल ड्यूटी से उनको फारिग कर दिया गया कि आपने हॉस्पिटल में नहीं आना। एक दो और वर्कर जो वहां पे मौजूद थे जो वहां पे लोगों ने देखे हैं उनको भी गायब कर दिया। अच्छा गया क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने उस कोशिश को नाकाम बनाया? मैडम ये वहां पे ड्यूटी पे मौजूद थे जो कि यानी शायद थे इस वाकये के, जो कि बता सकते थे कि वाकया असल में कैसे हुआ है और क्या हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो बात की थी ना कि ये पंजाब का दिल है जिसकी हम बात करें, गंगाराम हॉस्पिटल की कोई सिक्योरिटी कंपनीज की बात की आपने, इसी तरह डॉक्टर्स की बात की, तो इनकी पुष्पनाई कौन कर रहा है, कोई वजह आपको मालूम हुई है? क्योंकि आपने सारे प्रोटेस्ट को लीड किया है, ये स्टाफ है, ये हायर किया गया है प्राइवेट तरीके से, ये कंपनियां हैं जो कि कमीशन देती हैं बकायदा। यहाँ पे जो भी पहले एक MNA की कंपनी थी वो उसको जब भी यहाँ से हटाने की कोशिश की गई, एक अच्छी कंपनी को लाने की कोशिश की गई, तो हमेशा यही मसला आता था कि जो बिडिंग और जो टेंडर है वो आगे पीछे कर दिए जाते थे। आज तक वही कंपनी यहाँ पे काम कर रही है जिसके गार्ड अक्सर ड्यूटी से गायब होते हैं, और जब यहाँ पे कोई मसला आता है तो सबसे पहले भाग जाते हैं और उनको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है, डॉक्टर्स को आके प्रोटेक्ट करना पड़ता है, गार्ड छुप जाते हैं हमारे पीछे। ये हालात हैं हॉस्पिटल के, और 6-6 माह से इनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही। एक गार्ड ने परसों रात खुदकुशी की है मेंटल हॉस्पिटल के अंदर, जिस बेचारे का बच्चा पैदा हुआ है वो घर जाना चाहता था लेकिन उसको तनख्वाह नहीं दी गई। यहाँ पे हालात इस हद तक खराब है कि जेनिटोरियल स्टाफ भी इन्होंने कंपनी से लिया हुआ है, वो हॉस्पिटल के मातहत ही नहीं है। अब ये है कि यहाँ पे या तो जो भी कंपनी यकीनी तौर पर किसी बड़े सियासतदान की होगी या किसी बड़े माफिया की होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये सियासी लोगों की कंपनियां हैं। और हमने जो मिनिस्टर सलमान रफीक साहब हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि किन लोगों की कंपनियां हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। ये 8 से 8 माह पहले की बात है और अभी तक ऐसी कोई कोशिश नजर नहीं आई। अच्छा अली, ये बताइएगा कि अभी जो डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं जो कि बिल्कुल जायज है, उस पर आपके किसी हुकूमती ओहदेदारान में से किसी से बात हुई कि वो क्या करने जा रहे हैं कहीं पे? आपको लगता है कि हुकूमत सीरियस होगी, खासतौर पर पंजाब गवर्नमेंट? अली आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है, आपको आ रही है आवाज? मुझे जी आ रही है, जी जी बताइएगा। अच्छा बिल्कुल, एक तो जो ये जो एहतजाज करने वाले हैं उनका ये मुतालबा है कि एक तो MS को सस्पेंड होना चाहिए और साथ साथ सिक्योरिटी का ही मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी जानब से जो वजीर सेहत था उन तक ये बात पहुंची है, उन्होंने कहा कि मैंने रिपोर्ट मांग लिया, जब रिपोर्ट मिलेगी तो उसके बाद ही हम किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई आगे करेंगे। जो कि सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, लेकिन ये जो MS है ना, ये एक स्वीपर को, मतलब आप अंदाजा लगाएं वो भी जो एक रेपिस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल की रेपुटेशन के लिए, am I right?
जी जी बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही सही कह रही हैं। तो ये वजीर सेहत तक तो बात चली गई है, लेकिन मामला ये है कि अब उन्होंने आगे कहा कि कोई इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल होगी, उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे क्या करना है तो क्या नहीं करना। तो ये सारे मामला जो है वो लटकते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह के वाकया तो आए रोज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और उसकी रोकथाम के लिए कोई मुनासिब कोई हिकमत अमली हुकूमत की जानिब से देखने में नजर नहीं आ रही है। देखना यह है कि क्या होता है आगे फ्यूचर के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है, नासिर कह रहे हैं कि उनको मामलात लटकते हुए नजर आ रहे हैं, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर ये मामलात लटक गए तो आपका जो अगला लाइन अमल है वो क्या होगा? सर हम ना कल तक हमने प्रोटेस्ट भी कार्ड कराया, हमने इनको 24 घंटे दिए हैं कि हॉस्पिटल के अंदर तमाम जगहों पे जहां जहां हमारी फीमेल नर्सेज स्टाफ डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वहां पे कैमराज लगाए जाएं, एक चीफ सिक्योरिटी रूम बनाया जाए 24/7, वहां पे लोग मौजूद होने चाहिए जो मॉनिटर करें, और फीमेल स्टाफ जो कि चौकी है वो उसको कायम किया जाए, फीमेल गार्ड दिए जाए। इस पे अभी तक तो कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं है, और मजीद अगर इसी तरह जारी रहा तो ये पूरे पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे, और मेरे ख्याल में जिस तरह की अब सोशल मीडिया हाइप है, खुदा नखास्ता मैं नहीं चाहता कि वही दोबारा हम सर्विसेज विदड्रॉ करें, हमारी फीमेल डॉक्टर सड़कों पे आए और कोई अग्रेसिव मूवमेंट शुरू हो जाए गवर्नमेंट के खिलाफ। चलें जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अली आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाजीन ये यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट है, जो डॉक्टर्स फंड है बिल्कुल जायज है कि उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए और वहां पे फीमेल अमले को भर्ती किया जाए, तो गवर्नमेंट को तो पंजाब गवर्नमेंट को खासतौर पर फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। फीमेल अमले की भर्ती एक जायज मुतालिबा है क्योंकि वहां पे है ही सब फीमेल तालिबात, सो वाई नॉट। यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करने लगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू सुब की सोच। अब हम बात करेंगे मुल्क की सियासत के हवाले से, जहां पे बानी पीटीआई इमरान खान का बरतानवी वजीर आजम से पाकिस्तान में जमहूरियत को खतरात पर आवाज उठाने का मुतालबा सामने आ रहा है। बरतानवी वजीर आजम सोचे अगर उनका मैंडेट चुरा लिया गया तो वो क्या महसूस करेंगे, और गजा की अलमगार सूरत हाल पर बरतानवी हुकूमत अपना कायदाना किरदार अदा करे। बरतानवी हुकूमत अपने मुल्क में इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए भी मजीद इकदाम करे। और इसके अलावा अगर हम बात करें जमीत उलमा इस्लाम की, उनके सरबरा मौलाना फजल रहमान साहब ने किसी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि माजी करीब में सियासी इत्तेहादों के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे, हम मजीद ना किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं और ना खुद होना चाहते हैं, इसलिए जमीत उलमा इस्लाम किसी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएगी। बिल्कुल अच्छा। एक और आपने देखा था कि पंजाब हुकूमत ने क्या किया था, पंजाब हुकूमत ने 14 रुपए का फी यूनिट रिलीफ दिया था 2 महीने के लिए पंजाब के अवाम को, जिस पे काफी बहस छिड़ गई। सिंध हुकूमत जो है वो सामने आई, मुराद अली शाह साहब ने कहा कि ये बेवकूफी वाले फैसले लेते हैं और हमें उस पर समझ नहीं आती कि क्या करना है। फिर मरियम साहिबा कल सामने आई, उन्होंने उसका वजीर आला सिंध का नाम लिए बगैर इनडायरेक्टली उन्होंने ये कह दिया कि जो कोई बेवकूफी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है हमें समझ नहीं आ रही, हमें उस पर उल्टा हंसी आ रही है। क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना क्या वो बात ठीक है, प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना, हेलीकॉप्टर्स में जाना, जहाजों गाड़ियों का काफिलों का इस्तेमाल करना, तो वो ना एक झड़प सी सामने आ गई, एक लड़ाई सामने आ गई। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि जहां पर जिस मुल्क में पहले ही रिलीफ नहीं मिलता और किसी जगह पर अगर बिलफर्ज मिल गया है उसके भी चल एक अलग मुहरिकात है, लेकिन वो भी झड़प, और वो भी झड़प किसके दरमियान है, वो दो जमातें जो इकट्ठे हुकूमत कर रहे हैं, तो वो कह क्या रहे पहले आपको सुनवाते हैं और फिर उस पर तज्जिया करते हैं। होते रहते हैं अजीब वो गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी है कि बेवकूफी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। किसी ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफी, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाजों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफी। कुछ लोग सियासी श्रिंक होते जा रहे हैं, छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी पंजाब में 2 महीने के लिए हम बिल जो है कम कर रहे हैं। इतनी ज्यादती की बात है, बिल्कुल शफाफ तरीके से पंजाब ने अपने फंड से 2 महीने की रिलीफ मुहैया किया पंजाब के अवाम के लिए। अगर केपी की हुकूमत, बाकी सूबाई हुकूमतें भी बड़े शौक से ये सहूलत मुहैया करें, लेकिन इसके ऊपर पॉलिटिक्स करना हमें उससे परहेज करना चाहिए। जी इस पे एनालिसिस के लिए हमारे साथ मौजूद है पीजे मीर साहब। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि करप्शन जो है वो भी कोई अच्छा अमल नहीं है, तो फिर अगर इतने ही पीपल्स पार्टी करप्ट है तो फिर आपने हुकूमत क्यों बनाई इनकी मदद से, आप इनके साथ हुकूमत मिलकर कर क्यों रहे? ये
कभी भी एक नहीं हो सकते। मैं बहुत गहरे तरीके से जानता हूँ कि इनके जो इख्तलाफात हैं वो एक बेसिक इख्तलाफात है एक दूसरे के। आपने देखा कि 90s में क्या हुआ, एक ने दूसरे पे केस किया, दूसरे ने तीसरे पे केस किया, और वही केस लिंगर ऑन होके आज आ रहे हैं। सो लेट्स फॉरगेट कि यूनिटी है, कोई यूनिटी नहीं। आपने ये जितने भी अभी ये क्लिप्स दिखाए हैं, दे आर प्रूफ ऑफ इट। अब जब आपने प्रूफ दिखा दिया तो सच्चाई तो वहां निकल आई। अब बाकी बात कर ले कि पॉलिटिकल डिप्लोमेसी जो हो रही है पाकिस्तान के अंदर, ये किसी के फायदे नहीं है। शहबाज शरीफ ने एक अच्छी बात की है कि अगर कोई एक प्रोविंस अगर आपको एक रिलीफ दे रहा है, भाई आप भी दे दो, तो फिर एक यूनिटी के अंदर आ जाए। लेकिन यूनिटी कैसे आएगी, आप सारे साथ बैठे भी हैं और इख्तलाफ भी कर रहे हैं। आप इख्तलाफ कर रहे हैं कोई, ये ठीक है, ये डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। बट ऐसे मौके के ऊपर आप अगर कर रहे हो कि जब ये जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, वेदर इट इज पीपल्स पार्टी PMLN और एनीबडी एल्स, ये तो एक बड़े मुसीबत के अंदर है। आपने लोगों के सेंटिमेंट सुन लिए, लोग क्या कह रहे हैं, और अब लोगों की आवाज नहीं सुनेंगे और आपस में बिकरिंग कर लेंगे, तो मुझे बताएं मुल्क कैसे चलेगा आपके। ये तो मीर साहब फिर सीधा सीधा आवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात है ना, कि एक तरफ आप गवर्नमेंट भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। नहीं, बेवकूफ नहीं बना रहे, ये टोपी बना रहे हैं। ये टोपी होती है, टोपी बना के आवाम को हमेशा से टोपी कराते आ रहे हैं सब मिलके। बिल्कुल जी, अब तो टोपी पार जाना चाहिए, बना लेना चाहिए। कितनी इतनी टोपियां पड़ गई है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। अब मुसीबत जो है इन ऑल सीरियसनेस, वो हमारी जो आवाम है वो टैक्स देना नहीं चाहती। पूरी दुनिया के अंदर टैक्सेशन होती है और इवेजन भी होती है, ये इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपने जो सबसे बड़ा, हर गवर्नमेंट, ये आज की गवर्नमेंट नहीं, हर गवर्नमेंट ने जो एक बहुत बड़ा एक कसूर किया है, वो लोगों को शॉर्ट टर्म अपीजमेंट के लिए इन पे टैक्स नेट बढ़ाया नहीं। क्योंकि टैक्स नेट बढ़ाते हैं लोग खिलाफ हो जाते हैं, आपकी पार्टी को वोट मिलता नहीं है। आपके ट्रैफिक वायलेशंस देख लें कितना है। आपको पता है कि एक ऑर्डिनरी ऑफेंस 60 पाउंड का होता है बाहर के अंदर, और 3 पॉइंट्स लगते हैं उसके ऊपर। अब बेसिकली हमारा क्या, 500 रुपया, 1000 रुपया ले लो। अब 1000 रुपया, 500 रुपया, एक बंदा जो कि करोड़ रुपए की गाड़ी चला रहा है, उसके लिए 500 रुपये क्या है, वो तो वायलेशन कर देगा। 500 भी दे देगा, 1000 भी दे देगा। हमें जब तक लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेके आना कि देखे, हम वो कहते हैं ना कहावत है, क्रूल टू बी काइंड, कि भाई हमने करना है, क्योंकि आप ही में से ऐसे लोग हैं जो कि ये लोडेड बुलेट्स चलाते हैं, ये गाड़ियां जो हैं या मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं, अगर आप इसको ध्यान से नहीं चलाएंगे, ये तो बुलेट्स हैं, ये तो जाके किसी में लग के आप भी मर जाएंगे, दूसरों को भी मार देंगे। सो वी हैव टू कर्ब ऑल ऑफ दिस। इसके अंदर फाइंस बढ़ाओ, दुनिया के अंदर मुल्क फाइंस के साथ आपका इंतजामिया भी सही चलता है, आपके अंदर पैसे भी आते हैं और वायलेशंस होती रहती हैं, इसीलिए तो पुलिस है। चोरी भी होती है, डकैती भी होती है, बंद नहीं होती है, लेकिन पुलिस पकड़ती है, कोर्ट्स में ले जाती है, फाइन्स होते हैं, एंड गवर्नमेंट उसे कमाती भी है। द क्वेश्चन हियर इज कि हम नॉन सीरियस, हम डरते हैं कि हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा, हम डरते हैं कि ये जो हमारे सपोर्टर्स हैं वो इधर उधर हो जाएंगे, जो कि हमने देखा PTI और PMLN के डाई हार्ड सपोर्टर्स और डाई हार्ड जो उनके आप कह लो उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उसके अंदर से वो चले गए। इसलिए बिकॉज पीपल वॉन्ट अ चेंज, हम चेंज नहीं है, इतर है ना बटेर है, सो वी डोंट नो व्हाट वी आर। लेकिन सर जो टैक्स की आपने बात की ना, टैक्स नेट बढ़ाने की, ठीक है, लेकिन उसके साथ सर फैसिलिटीज भी तो चाहिए ना। यहाँ पे इंटरनेट के लिए VPN आप इस्तेमाल करते हैं, पानी के लिए टैंकर इस्तेमाल करते हैं, बिजली के लिए आप सोलर इस्तेमाल करते हैं, आवाम का तो पूछने वाला कोई है नहीं, तो वो भी फिर कहेंगे कि हम टैक्स क्यों दें, हम चालान क्यों भरें, हम वो यूज करते गैस के लिए आप सिलेंडर यूज करते हैं, सिलेंडर और एक और भी चीज होती है, मेरा नाम जहन से निकल गया, एनी हाउ कंप्रेसर। ये जो आपने पॉइंट रेज किया है, पूरी दुनिया के अंदर लोग आप कह लो के लोन्स लेते हैं, IMF होगी, वर्ल्ड बैंक हो गया, ADB, एवरीबडी टेक्स लोन्स। अच्छा, जब वो ममालिक लेते हैं, वो मार कहां खाते हैं, वो क्या करते हैं, लोन्स तो आपने ले लिए, लेकिन आप ऐसे प्रोजेक्ट्स पे लगाते हैं कि जो के वो लोन्स सस्टेन उनको बर्दाश्त नहीं करते, और क्या होता है, आप पे और मेरे पे टैक्स लग जाता है। सो फिर उसके बाद क्या होती है, ओवरस्पेंडिंग होती है, ओवरस्पेंडिंग होती है, उसके बाद आपके पास पैसे नहीं है, आप लोन रीशेड्यूल करवा देते हैं। तो जब आप लोन रीशेड्यूल करवाते हैं, टैक्सेशन बढ़ जाती है,
टैक्सेशन बढ़ जाती है, आप रवे चीखे मारते हैं। यही जो आपने पॉइंट्स रेस की, यही तो चीज है कि 39 न्यू टैक्सेस आप पे ठोके हम। अब मुझे बताओ, लोगों के पास वो आप कह लो कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे तनख्वाहें तो है कोई नहीं है, हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे तो चलते नहीं है। आप किसी इदारे में चले जाए, एक दफा आपकी तनख्वाह बढ़ गई, वो तय हो गई, तो वही तनख्वाह चलती है। हर साल नहीं रेट ऑफ इन्फ्लेशन के तहत आपकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, नहीं बढ़ती हैं, पूरी दुनिया में बढ़ती हैं। सो द क्वेश्चन इज कि हमारा जो निजाम है वो इसलिए खराब है कि आम आदमी से लेके ऊपर तक टैक्स एवेजन हो रही है। मल्टी बिलियन डॉलर का बिजनेस है, कराची से लेके पेशावर तक आपका जो ट्रेडर है वो पैसा कमाता है, कैश आपसे लेता है, कच्ची चिट देता है, एफबीआर को एक पैसा नहीं जाता। जब एफबीआर को नीचे ट्रेड हो रहा है, आप देखें उनके घर कैसे बन रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी गवर्नमेंट तो कोई भी होगी क्रम्बल करेगी। सो वी नीड टू बी वर्किंग ऑन दीज लाइन्स कि आप अपने सिस्टम को ठीक करो। लेकिन सिस्टम को ठीक करना नहीं, क्योंकि मेरा वोट बैंक खराब हो जाएगा तो फिर अल्लाह ला खैर सलाम से बैठ के तमाशा देखो आप। ठीक, अच्छा मीर साहब, एक और टॉपिक की तरफ आते हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों इतने नाराज हुए, क्यों रजामंदी सामने नहीं आ सकी तहरीक इंसाफ के साथ? चले नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई एक तरफ है, लेकिन इनकी तो डिमांड्स बिल्कुल एक जैसी थी, फिर क्या हुआ? पुराने जमाने में जब ये टेली कम्युनिकेशन नहीं होती थी, कबूतर होते थे, कबूतर के नीचे लगा के वो उसके उसके क्या कहते हैं पैरों के अंदर वो पर्ची डाल के मैसेज इधर चला गया उधर चला गया। फजलुर रहमान ने यही अपना एक रोल अख्तियार किया हुआ था और हर जगह ये कबूतर जाके बैठ जाता था, कभी इधर कभी उधर, लेकिन एंड में इस कबूतर को बेचारे को मार पड़ जाती थी। अब इसको जब मार कहता है यार मैं इधर भी जाता हूँ उधर भी जाता हूँ, मेरी बातों को सुनता नहीं है, दिल और इनके पास वो इसलिए आते थे क्योंकि मौलाना साहब के पास एक स्ट्रीट पावर तो है, वेदर इट इज ए न्यूसेंस स्ट्रीट पावर, वेदर इट इज एन इम्प्रैक्टिकल स्ट्रीट पावर, बट ही हैज अ स्ट्रीट पावर। अब इस स्ट्रीट पावर को हर पार्टी ने इस्तेमाल किया एज लॉन्ग एज दे वांटेड टू, उसके बाद वो गडेरी की तरह, अब वो मतलब कबूतर वाला सर खत्म हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी इनहेंस हो चुकी है। अब शायद व्हाट्सएप हर जगह भेजते, अब व्हाट्सएप हर जगह जाता है शायद। नहीं नहीं वो जाता है, लेकिन देखो ना व्हाट्सएप हो गया, टेक्नोलॉजी दूसरी होगी, उस पर फायरवॉल तो नहीं लग सकते थे ना पहले कबूतरों पे, अब तो फायरवॉल आप और लोग रो रहे हैं, आपके बिजनेसेस मिलियंस ऑफ डॉलर्स के खराब हो रहे हैं, हम डिफेंसिव पे चले गए। पूरी दुनिया के अंदर ये जो साइबर क्राइम और इस तरह की चीजें हर जगह होती हैं, लोग उनको इंडिविजुअली पकड़ते हैं, ये नहीं करते हैं कि आप पूरा सिस्टम ही शट डाउन कर दो। और लाहौर में मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, कितनी जबरदस्त ये डीएचए रोड्स बनाता है, ब्यूटीफुल रोड्स, यू नो हम मिसाल देते हैं कि देखो हाउसिंग से वो साथ ही वो बैरियर डाल देते हैं, साथ ही एक कट होता है उसको बंद कर देते हैं। डोंट यू एवर प्लान कि इतनी फैसिलिटी दे के फिर बैरियर लगाना, मुझे बता दो, इतनी जहालत, पढ़ी लिखी जहालत आपको मिलेगी कहीं? इतने बड़े इडियट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे कि क्या करते हैं जबरदस्त रोड बना के बैरियर, और बैरियर में विदाउट रिफ्लेक्शंस कई जगह और गाड़ी अंदर जाती हैं। आपने देखा है छोटे छोटे, एक तो छोटे छोटे बच्चे आपकी गाड़ियां चला रहे हैं अनलाइसेंस्ड। सो द क्वेश्चन इज कि हमारा निजाम, वी गॉट टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, जब तक हम स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, बाय द लॉ नहीं चलेंगे, आप आगे तब तक मामलात नहीं हो सकते। मीर साहब थोड़ा सा मैं आपके जो दोस्त हैं साबिक कप्तान इमरान खान के हवाले से बात करूं, तो उन्होंने यूके के प्राइम मिनिस्टर को एक खत भी लिखा है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो यूके वालों को अब कह रहे हैं कि यहां पे आके इंटरवेंशन की जाए या कुछ आवाज उठाई जाए, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं वजाहत करूं कि जर्नलिस्ट के आने से पहले नहीं, जब आप क्रिकेटर थे सर, जब आप क्रिकेटर थे। नहीं नहीं क्रिकेटर क्या, दोस्त है यार। एग्जैक्टली, नवाज शरीफ भी इस तरह। द क्वेश्चन इज, लेकिन इन दोनों की पॉलिटिक्स में आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी पॉलिटिक्स, मेरी सिर्फ एक पार्टी है पाकिस्तान, दैट्स इट, पीरियड। अब ये जो इस तरह की जो चीजें कर रहे हैं, देखो आप उनसे क्यों बात कर रहे हो इमरान मेरे भाई, आप जो पार्टीज हैं इस वक्त जो इनकमबेंट प्राइम मिनिस्टर हो गया शहबाज शरीफ हैं या बाकी पोलिटिकल पार्टी, आप इनसे बात करो। ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स एंड ऑल दैट, यही तो वजह है कि बाहर के लोग आपका एडवांटेज लेते हैं, क्योंकि आप बार आवाज मारते हो। आवाज घर में मारो, घर में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक दूसरे से बैठ के बात करो, दैट इज द वे फॉरवर्ड। इन्होंने मुल्क नहीं चलाना, तभी तो हम कहते हैं ना कि ये इंटरवीन क्यों करते, इसलिए कि हमारे में आपस में इत्तफाक नहीं है।
हम आपस में तफाक करें, बैठे एक दूसरे से बात करें, argue to counter argue and get on with it. मीर साहब, आपको नहीं लगता कि ये इत्तेफाक की कमी के अलावा lack of confidence होता जा रहा है बानी पीटीआई को कि उनके जो है वो केसेस जो है उनको मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जाया जाएगा, तो इसलिए अब वो डेस्परेट मूव्स की तरफ जा रहे हैं? मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ तो जाना ही नहीं चाहिए नंबर वन, ये सिविलियन. अब हर चीज अगर मिलिट्री कोर्ट्स करेंगे तो हमारे हर्फ उठेगा. देखो ना, जो मिलिट्री के डोमेन की जो चीज है वो तो मिलिट्री उसको कर रही है. देर इज नो टू वेज अबाउट इट. और मिलिट्री के कोर्ट, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये फेयर होते हैं. मिलिट्री कोर्ट्स आर फेयर. बड़े लोगों के परसेप्शन है वो फेयर इसलिए वो जल्दी से फैसला कर देते हैं. yes. उसके अंदर आपको अपील भी होता है, उसके अंदर आपको पूरा चांस भी दिया जाता है. आप जिसको मर्जी पकड़ो, हर एक को चांस दिया है. और याद रखें कि किसी पे हम ये जनरल ले लें, ये फैज को ले लो, पूरी दुनिया गिल्टी गिल्टी. ओ भाई, वो उस वक्त गिल्टी होंगे जब उनका ट्रायल हो जाएगा. उससे पहले हमने नवाज शरीफ को भी गिल्टी किया, इस इमरान को भी किया, जनरल्स को भी किया, हर एक को हम बैठ के गिल्टी कर देते हैं. येट वी डू नॉट हैव द कॉन्क्रीट प्रूफ. लेट द कोर्ट्स डिसाइड वेदर इट इज मिलिट्री और वेदर इट इज सुप्रीम कोर्ट. सो हम क्या करते हैं, जज, जूरी, डिफेंस एंड प्रोसिक्यूशन बन जाते हैं. सो आई थिंक कोर्ट मार्शल भी हो जाता है फैज हमीद साहब का, उसके बाद इमरान खान साहब को भी आप मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाते हैं, तो अक्टूबर में एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है आपकी सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या ये चीजें जाके आगे सस्टेन होती हुई आपको नजर आ रही है कि एक तरफ आप उनको मुजरिम ठहरा दें और सुप्रीम कोर्ट से आके वापस उनको रिलीफ मिल जाए? देखिये, बदकिस्मती से ये जो इस वक्त जो कोर्ट चल रहा है, आपने खुद देख लिया कि पूरे मीडिया के ऊपर हमें पता इधर से चला कि सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस ने एक लेटर लिखा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. ठीक है जी. अब बेसिस ऑफ दैट आप देखेंगे फर्दर केसेस भी बनेंगे, क्योंकि जब जज ये बात करते हैं ऑल ऑफ अ सडन, आप तो ये जितनी भी डिसीजन है ये चेंज हो रहे हैं कि नहीं, आपके सामने हो रहे हैं, बिकॉज द जजेस आर नाउ कमिंग ऑन द फ्रंट फुट एंड गिविंग द राइटफुल डिसीजन कानून पे. अगर वो गलत दे रहे हैं तो फिर इनके लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है. सो इसलिए वी हैव टू हैव फेथ इन आवर जुडिशियल सिस्टम, क्योंकि अगर हम उल्टी सीधी बातें करेंगे जुडिशरी के मुतालिक या मिलिट्री के मुतालिक, नुकसान हमका है, हमारा नुकसान है, बाहर का नुकसान नहीं है. सो ये जो केसेस जो बने 9 मई का, पूरी दुनिया कहती है यार ये एक दिन का केस है, इसको डिसाइड कर लो. आपने इतनी देर लगा दी है, ओ बट डिसाइड इट, व्हाई नॉट, आपके पास एविडेंस है, कई एविडेंस है. वो एक औरत है, वो उसके ऊपर लगाया कि ये कर रही थी, वीडियोज आई नहीं है, वो कह रही है मत करो, अंदर ना जाओ, ये ना करो, फलाना करो. नाउ दैट इज अ वीडियो एविडेंस, व्हाई इज दैट नॉट बीइंग यूज्ड? सो हूएवर इज गिल्टी हैज टू बी पनिश्ड, बट यू कैन नॉट पनिश द एंटायर पार्टी और एंटायर कंट्री. जो लोग हैं शर पसंद है उनको तो बंद ट्राई करके अरेबियन सी के अंदर इनकी चाबी फेंके, लेकिन सारों को आप मुलव्वज नहीं कर सकते इस तरह. ठीक. अच्छा मीर साहब, इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को सानिया 9 में के जो 12 मुकदमात हैं उनसे भी डिस्चार्ज कर दिया है, तो व्हाट डू यू थिंक, उनका रिलीफ उनको मिल रहा है ज्यादा, बुशरा बीबी की तरफ रिलीफ जाता हुआ नजर आता है और दूसरी तरफ इमरान खान के गिर्द घेरा मजीद तंग हो रहा है? रिलीफ हम नहीं कह सकते, आप कह लें कि जो कानून के दायरे के अंदर उनको जो आप कह लो जो लकूनास होते हैं उससे वो बाहर आए. Okay. उन्होंने उनको फेवर नहीं किए किसी ने. ठीक. द क्वेश्चन रिलीफ, रिलीफ पर रिलीफ नहीं होता. रिलीफ मींस के क्या उनके कोई वो फेवरेटिज्म कर दिए? yes, okay. कानून फेवरेटिज्म नहीं है, कानून में कानून है और कानून के तहत वो अंदर गई उस वक्त अंदर गई जब एक चार्ज हुआ, चार्ज डिस्चार्ज हो गया, शी इज आउट ऑफ द प्रिजन. सो दैट इज हाउ इट इज. सेम थिंग विद इमरान, क्या ये मौजूद थे वहां जो इन्होंने कहा है? क्या इन्होंने किसी को कहा था तुम ये करो? दीज आर द टेक्निकलिटीज, क्योंकि अभी आगे आई थिंक इंक्वायरी होंगी, आगे क्या आएगा, लेट्स वेट एंड सी. लेकिन सर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट नहीं है कि एक तरफ रिलीफ की जिस तरह निमरा बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए ना कि तोशाखाना 2 भी स्टार्ट हो चुका है और उसमें भी कुछ सऊदी वलीयत से कुछ तोहफे ऐसे लिए गए थे जिनके ऊपर वो केस अब वापस कोर्ट्स में आ चुका है. बड़े बड़े लोगों ने तोहफे लिए, ये तो आपके सामने लिस्ट भी आ गई है. तो पकड़ो ना, पहले उनको पकड़ो. ये तो पता नहीं है घड़ी का बना दिया, घड़ी से बड़ी महंगी महंगी चीजें भी इधर उधर गई हैं और ये घड़ी बाय द वे इतनी महंगी भी नहीं है.
ये मैं अभी मुझे पता है ये किसने ये किया है, वो फ्रॉडिया है जिस बंदे ने ये स्टेटमेंट दिया है, ही इज अ वांटेड मैन बाय द एफआईए। नहीं नहीं, तीस नैब ने नया रेफरेंस दायर किया, ये ज्वेलरी वाला नहीं है, ये ज्वेलरी का सऊदी वाली है, और ये कल हुआ है दायर। देखो किसी को पकड़ना है ना तो आप पकड़ते रहोगे, किसी को छोड़। अच्छा वैसे ये वाकई आप ठीक दूसरी तरफ फैसल इकबाल साहब को आपने कि नए केसेस मजीद भी लाए जाएंगे हर एक चीज के लिए अलग अलग, और वो मीर साहब फैसल इकबाल साहब को अब बरी कर दिया गया माशाल्लाह से, उनकी जिसकी गवर्नमेंट चल रही होती है वो बरी होते हैं, जो अपोजिशन में होता है उसके ऊपर नए से नया केस आ जाता है। यार देखो फैसल इकबाल को मैं जानता हूँ, आई नो हिम, एंड एट द एंड ऑफ द डे चार्जेस हर एक पे लगते हैं, नवाज शरीफ पे नहीं लगाए गए थे चार्जेस, नवाज शरीफ बरी हो गए। आपने 11 साल एक आदमी को जरदारी आपने क्या नहीं किया, मर्डरर, एक्सटॉर्शनिस्ट, किडनैपर, मनी लॉन्डर, हर किस्म के आपने तमगे दिए, और उसके बाद यू मेक हिम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड यू अगेन मेक हिम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सो दैट शोज के हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर फ्लॉज हैं। इन फ्लॉज को मुझे बताओ आसिफ अली जरदारी के 11 साल कौन देगा वापस, कैन एनीबडी गिव हिम 11 इयर्स ऑफ हिज लाइफ टाइम, यू नो, उस बेचारे को प्रिजन में तुमने डाल के हर किस्म की तोहमत लगा के और फिर तुम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। यार मैं तो कहूंगा कि ये इनजस्टिस है किसी के साथ भी इस तरह हो। आपने नवाज शरीफ के साथ किया, एक दूसरा, अब आप इमरान के साथ कर रहे हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू डू, हमने शुरू किया सिकंदर मिर्जा से, आई प्रेसिडेंट यू सिकंदर मिर्जा को लंदन भेज के बेचारे को एक मैनेजर होटल का बना दिया। मुझे बता दो, वो पढ़ेंगे उसकी किताबी, पता नहीं कौन सी वो उसके बेटे ने लिखी है, प्लासी एक है, दिस इज वेरी नाइस बुक, यू रीड इट। हमने हर बंदे को उसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स बनाए महीने के लिए, दिन के लिए, और वो निजाम नहीं चल पाता, बिल्कुल नहल कर दिया हमने, सही कर रहे हैं आपका मीर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, माजत के साथ वक्त खत्म हो गया। गुफ्तगु आपने सुनी है पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिनेरियो से मुतालिक, यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं ब्रेक शामिल करने का, ब्रेक शामिल करते हैं और वापस आते हैं जल्दी से, आपने देखते रहना सबकी सोच। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड बट गुड मॉर्निंग भी है अभी। अच्छा जी, आज की गुड मॉर्निंग शायद इसलिए भी होने जा रही है क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट आज से रावलपिंडी में शुरू हो रहा है। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद ने कहा कि हमारी टीम क्वालिटी खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। हसनैन, व्हाट डू यू थिंक, क्वालिटी प्लेयर्स हैं हमारे पास? ये तो कब अब खेलेंगे तो पता चलेगा, बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ये है कि टेस्ट क्रिकेट में हमारी टीम बांग्लादेश से बहुत अच्छी है, और पाकिस्तानी टीम की बात की जाए तो बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान टीम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरी है, और पाकिस्तान की फाइनल 11 में कप्तान शान मसूद, नायब कप्तान साउद शकील, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान आगा और शाहीन आफरीदी शामिल हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेशी कप्तान भी जीत के लिए पुरअज़्म हैं, लेकिन उनके अहम फास्ट बॉलर तस्कीन अहमद पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट मैच नहीं खेल सकेंगे। इस तमाम तर मैच के ऊपर बात करेंगे अभी। राइट नाउ आपको एक सिचुएशन बताता चलूं कि सिचुएशन ये है कि रावलपिंडी जो स्टेडियम है वहां पे इस वक्त तक टॉस नहीं हो सका वेट आउटफील्ड की वजह से, आउटफील्ड को क्लियर किया जा रहा है, और हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट जनाब सईद अवैस साहब, और उनके साथ हमें अमेरिका से ज्वाइन किया है शाकिर अब्बासी साहब ने। दोनों अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। शाकिर, मैं आपसे स्टार्ट कर लेता हूं अमेरिका फेस्ट, पाकिस्तान को हम दूसरा नंबर दे देते हैं, अवैस साहब की तरफ बाद में जाएंगे। बताइएगा आज के टेस्ट मैच को आप किस तरह देख रहे हो, और पाकिस्तान टीम जिस तरह 4 फास्ट बॉलर के साथ जा रही है, रावलपिंडी की पिच इस दफा तो इस तरह लग रहा है जिस तरह सिडनी की पिच है। देखें, रावलपिंडी की पिच सिडनी की पिच नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि रावलपिंडी की पिच बना दी गई है, जो इसका ओरिजिनल एसेंस होता था हमेशा से ग्रीन टॉप फास्ट बॉलर्स के लिए सुटेबल होती थी। हमने माजी में कुछ हमारी जो डिफेंसिव अप्रोच होती थी माजी के क्रिकेट बोर्ड्स की, और इस पिच को एक जो है वो फ्लैट ट्रैक बना दिया गया था, और जिस पर आपको याद होगा कि आईसीसी ने इसे गैर तसल्ली बख्श करार देकर हमें वार्निंग भी जारी की थी, और वो बड़ा एक सुर्खी हुई थी पाकिस्तान की। तो अब फाइनली एक अच्छी अप्रोच के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि रावलपिंडी को रावलपिंडी ही रहने दिया जाए, पिंडी की विकेट को जो है वो ग्रीन रखा गया। और अब जब से हम क्रिकेट देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मुझे नहीं याद पड़ता कभी ऐसा हुआ हो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस टेस्ट मैच में
किसी स्पेशल स्पिनर के बाद बगैर ही जो वो खेल रही है, तो इसका मतलब यह है कि जो एक इस वक्त एटमोसफेयर है, जिस तरह अभी तक मैच शुरू नहीं हो सका, बारिश हुई है, फिर ओवरकास्ट, यही बताया जा रहा है कि पिंडी में इस वक्त भी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर जो है वो बादलों का राज है, तो इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने होम जो एक ग्राउंड का एक एडवांटेज होता है उसको इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। एक टॉस अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो मुझे तो ये लगता है कि मैच 3-3.5 दिन का लगता है, अगर पाकिस्तान टॉस जीत कर वो इस पेस अटैक के साथ बांग्लादेश जैसी निस्बतन कमजोर टीम जो नॉर्मली अपने होम कंडीशन में तो किसी हद तक टफ ओपोनेंट होती है लेकिन मौजूदा सर्कमस्टांसिस में शायद उतनी ना हो, तो इस सारे सूरतहाल में अच्छा फैसला है। उस पिच को उसके पोटेंशियल के मुताबिक इस्तेमाल किया गया, कंडीशन को उसके मुताबिक, और उसके साथ साथ चार फास्ट बॉलर के साथ जाना एक नई स्ट्रेटेजी है। ऑस्ट्रेलियन आपने बात किया तो गिलेस्पी ने अब चार संभाला है, तो एक ऑस्ट्रेलियन अप्रोच वहां भी नजर आ रही है पाकिस्तान टीम में। बहरहाल एक अटैकिंग अप्रोच, एक पॉजिटिव अप्रोच, और पिंडी को पिंडी की विकेट समझते हुए पाकिस्तान मैदान में उतर रहा है, तो ये मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव साइन है, और ये पॉजिटिव साइड है, और हम इस पॉजिटिव साइड के लिए और इस पॉजिटिविटी के साथ अच्छा काम करेगा। जी, और शाकिर हम इसी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं और अवैस से बात करते हैं। अवैस, ये बताएं कि अबरार को प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया, इसकी क्या वजह नजर आती है आपको, ये सवाल उठाया जा रहा है? देखिए, सवाल आपको पता है काफी अरसे से उठाया जा रहा है, मैं बल्कि कभी ऐसी मजाक में कहता हूँ कि नादरा में चेक करवा लें क्या वो पाकिस्तान का शहरी है भी नहीं है बेचारा, क्योंकि वर्ल्ड कप से आप उसको कैरी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप से पहले भी आप उसे कैरी कर रहे हैं, तो आपने उसको आज सच कोई चांसेस आज दिए नहीं है। आप उस कंडीशन के अंदर लड़के को डाल देते हैं मजबूरी तौर पर, ठीक है विकेट का एटमोसफियर आपने चेंज किया, टॉम हैमिंग को हैट्स ऑफ है जिस तरीके से वो विकेट्स पे काम करे, लेकिन आप उस कंडीशन में लड़के को डालते हैं कि जहां पर आपको शायद स्पिनर की अगले मैच में कहीं जरूरत अगर पड़ गई तो आपकी कंडीशन ऐसी होगी ना, वो लड़के ने मैच प्रैक्टिस उसको है इस वक्त, क्योंकि काफी अरसे से वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर है, बेशक वो डगआउट का हिस्सा जरूर है लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट एक्सपोजर से बाहर है, आपने पाकिस्तान शाहीन को डाला है, तो ये बड़ा एक जोन सा ना, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को इस मामले को बड़ा एक तरीके से हैंडल करना होगा आगे भी जाके। अगर बैटिंग ऑर्डर की थोड़ी सी बात करूं, जब पाकिस्तान बैटिंग की आप देखते हैं थोड़ा डेप्थ आपको नजर आती है, लेकिन सबसे ज्यादा दूसरी शिकायत लोगों को वो हुरैरा से है। हुरैरा आपको पता है कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करता हुआ है, जब आप लंबे रेस की घोड़े की बात करते हैं तो उस लड़के ने आपको फोडे के अंदर भी परफॉर्म करके दिया है, कायद अजम ट्रॉफी के अंदर भी परफॉर्म करके दिया, ट्रिपल सेंचुरी डबल सेंचुरी की बात करूं यहां तक 150 भी स्कोर कर चुका है पिंडी की विकेट पे, तो ज्यादा बेहतर होता है इन कंडीशंस के अंदर आप अपने लड़के को जो डेब्यू कर रहा है उसको आप इन कंडीशंस के अंदर उतारें, क्योंकि उन कंडीशंस का उनको पता होता है। आप ना इंसाफी करते हैं बाद में जाके आप उन कंडीशंस के अंदर इनको डेब्यू करवाते हैं जहां पर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है या दूसरी कंडीशंस के अंदर जहां पर आपकी लिटरली आपकी कैप्टनसी भी टेस्ट होती है, तो ये थोड़े से मामलात हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काम करना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी साइड आपको नजर आ रही है पाकिस्तान की, थोड़ा सा एडेड प्रेशर जरूर होगा शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर, जो मामला आपको पता है क्योंकि जब आप स्ट्राइक फास्ट बॉलर की बात करते हैं जो इश्यूज चलते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आए हैं, शाहीन शाह अफरीदी का जो इशू चलता हुआ है, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर एक बॉलर के ऊपर होता है। नसीम शाह 13 मार के बाद वापसी कर रहे हैं, अच्छी चीज लगी मोहम्मद अली की इंक्लूजन, क्योंकि आपको याद हो मोहम्मद अली इंक्लूडेड भी पाकिस्तान टीम में हुआ था अपनी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस से। हसनैन भाई भी इस चीज से एग्री करेंगे, आपको याद हो हसनैन भाई के मुल्तान के अंदर उसने आउट किए थे डोमेस्टिक का बात कर रहा हूँ, और आपने जब उसको डेब्यू करवाया था उस विकेट पे करवाया था जो रोड विकेट थी जिसपे शाकिर भाई बात करें ना, जो आईसीसी ने भी आपको पता है कि आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया था जहां पर बेचारा 20-21 ओवर करवाता रहा, अब आपको ग्रीन टॉप विकेट यहां पर नजर आई है, तो अब आपको परफॉर्मेंस भी उस लड़के की नजर आएंगी, तो अच्छी बात है पाकिस्तान एक अटैकिंग मोड से जा रहा है। लेकिन ये बात मैंने कल भी सुनी थी कि 3.5-3 दिन का शायद टेस्ट मैच आपको नजर आए, लेकिन आगे जाके थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट जरूर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि बहुत अरसा हो गया आपको 5 टेस्ट खेले हुए, आप अगर इंडिया की बात करें ऑस्ट्रेलिया के साथ जाके 5 टेस्ट मैच सीरीज खेलनी है, हम अभी तक उसी चीज में अटके हुए हैं, 2 टेस्ट मैच हैं 3 टेस्ट मैच सीरीज की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो 9 टेस्ट मैचेस हमने मार्च तक खेलने, कहीं ना कहीं जो फ्यूचर प्लान है उसके अंदर आपको टेस्ट मैचेस को एक्सपेंड करना पड़ेगा। अच्छा शाकिर साहब, थोड़ा सा बड़ी जबरदस्त बात की हुरैरा के हवाले से, और साइम अयूब को एक बहुत लंबा रन मिल चुका है, उनको T20 में भी आजमा चुके हैं हम, ODI में भी, और अब टेस्ट क्रिकेट में भी साइम को अभी भी मौका दे रहे हैं, तो साइम से हम क्या निकालना चाह रहे हैं, उनकी टेक्निक को दुरुस्त करने की जरूरत है, उनको और ज्यादा टाइम डोमेस्टिक में लगाना चाहिए, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट हम उनको अब टेस्ट टीम में भी शामिल किए हैं हुरैरा की जगह। मैं यकीनी तौर पर इस फैसले से कोई खुश नहीं हूं कि जब एक साइम जिसका एक नेचुरल स्टाइल भी T20 वाला है, व्हाइट बॉल क्रिकेट का बैटर है, और वहां भी वो परफॉर्म नहीं कर पाया और उसको फिर टेस्ट में भी मौका दिया जा रहा है, यकीनन कोई माइंडसेट होगा। मुझे जो लगता है शायद उसको डोमेस्टिक एक अच्छे माहौल में डोमेस्टिक केस और निस्बतन एक कमजोर टीम के सामने उसको टेस्ट क्रिकेट खिलाने का मकसद उसके अंदर स्टेबिलिटी लेके आना, शायद उसकी टेक्निक बेहतर करने का उसे मौका देना या उसको एतमाद देना एक ऐसा मकसद हो सकता है जो मेरी समझ आता है, वरना इसके अलावा ये
बिल्कुल देखें टेस्ट क्रिकेट में अगर बांग्लादेश जैसी टीमों के खिलाफ भी आप डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को मौका नहीं देंगे, मोहम्मद अली की इंक्लूजर एक इसकी मिसाल है कि उसको मौका दिया जा रहा है एक ऐसे विकेट पर, तो वहां उरारा का होना मेरे ख्याल में उसके साथ ही जाना चाहिए था। लेकिन एक एक, एक लड़का है जिस पर हमने काफी इन्वेस्ट कर लिया साहिब ने, तो शायद ये आखिरी मौका हो कि उसको टेस्ट के लिए जरा टेस्ट किया जाए और उसको एक ऐसा मौका दिया जाए कि वो होम कंडीशंस में अपनी बैटिंग टेक्निक्स को बेहतर कर सके। टेस्ट क्योंकि आपका जहां एक इम्तिहान होता है वहां सीखने के लिए भी आपको बहुत कुछ मिलता है, तो अगर साइन की जो पोटेंशियल है उसका जो टैलेंट है उस पर तो कोई किसी को डाउट नहीं है, इज अ वेरी मच पोटेंशियल प्लेयर, लेकिन उसको वो एक स्टेबिलिटी उसकी बैटिंग में नहीं नजर आ रही, और शायद इस सीरीज के जरिए उसको मौका देकर एक आखिरी मौका शायद उसे दिया जा रहा है कि वो अपने आप को प्रूव करे, नहीं तो फिर वो कहीं शायद आपको प्लेइंग 11 या क्या स्क्वाड के करीब भी ना नजर आएगा, इसमें भी वो फेल होता है। जहां तक बात है मैं बार बार ये दोबारा इस बात को रिपीट करूंगा कि हमें वो टीम के अंदर एक जो पिछले कुछ अरसे से कैरी कर रहे हैं ड्रेसिंग रूम का माहौल, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जिस तरह से एक शान मसूद इसको डिस्कस भी करते हैं और ये होप भी देते हैं कि क्योंकि ड्रेसिंग रूम का माहौल इंकलकेट होता है ग्राउंड पर आकर, और वो उसको बेहतर करने की कोशिश करें, और शान मसूद में ये कैपेबिलिटी भी है, ये सलाहियत है उनमें, और वो कुछ करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, तो अगर वो इस सिलसिले में वो ग्लेस्पी कामयाब हो जाते हैं ड्रेसिंग रूम के माहौल को उस टेंस सिचुएशन जो हम वर्ल्ड कप से खास करके कैरी कर रहे हैं उससे निकाल लें, प्लेयरों को उनका रोल समझा दिया जाए, किसी के सर पे अगर कैप्टनसी या स्टार्डम का भूत सवार था उसे उसके दिमाग से निकाल कर उसे दोबारा प्लेयर बनाने में ये कामयाब हो गए, तो पाकिस्तान में समझता हूँ टेस्ट सीरीज से दोबारा एक मोमेंटम पकड़ेगा, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट के सीरीज के जो पॉइंट टेबल उस पर छठे नंबर पर है, तो इन दो सीरीज इस सीरीज का क्लीन स्वीप मिल जाता है, हमें वो पॉइंट मिल जाते हैं, तो हम जो काफी अरसे से कहीं टेस्ट के सिनारियों में नजर ही नहीं आ रहे, हम एक अच्छा मौके का अपने इस होम सीरीज से वो मोमेंटम पकड़ेंगे। जहां तक मैं दोबारा बात करूंगा जिस सिचुएशन जिससे हम चार फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं, निस्बतन बांग्लादेश की टीम खासकर जिनको ओपनर है महमूदुल हसन उसका अचानक अनफिट होने से वो एक सेटबैक है, लेकिन अगर ओपनिंग जो है बांग्लादेश की हमारे इस न्यू बॉल को फेस ऑफ कर गई, खास करके जो भी एक नए बॉल को आप अगर उसको खेल के कुछ थोड़ा सा सेंसिबल अप्रोच ली, तो मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है, और ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि शकीबुल हसन, शुक्र रहीम और फिर मोमिनुल हक, उन्होंने बड़े मुश्किल हालात में इस टीम को सपोर्ट किया है, गो के शकीब के लिए थोड़ा सा एक मेंटली जरूर प्रेशर होगा, वो मेंबर पार्लियामेंट है उनकी, वहां जो सियासी जमात है वो खत्म हुई, मुश्किल हालात में वो शायद, लेकिन जिस तरह वो प्रोफेशनल है, जिसका जो इस वक्त दोनों टीमें जो खेल रही है सबसे तजुर्बेकार प्लेयर है एज लॉन्ग जितने ज्यादा उससे मैचेस खेले उसका कैरियर है, इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है। शाकिर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, साइम विक्ट्री आ जाए जी बिल्कुल ऐसी। अच्छा साइम आपकी तरफ आती हूँ, ये बताएं कि आपको क्या लगता है इस सीरीज की क्या सिग्निफिकेंस होने जा रही है पाकिस्तान के लिए टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से खास तौर पर? देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान इस पर टेस्ट चैंपियनशिप खेल रहा है, जैसे शाकिर भी कह रहे थे पाकिस्तान इस वक्त छठे या सातवें नंबर पर मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग टेस्ट मैचेस जो उनसे हमारे जो अगले साल कैलेंडर ईयर तक सिर्फ 9 टेस्ट मैचेस, इतने ज्यादा टेस्ट मैचेस है नहीं, जैसे एज कम्पेयर टू अगर मैं दूसरी कंट्रीज की बात करता हूँ इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप अपने होम सॉइल पे खेल रहे होते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, मैं जो हुरैरा की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ ना कि जब आप हुरैरा जैसे प्लेयर्स को डालते हो तो एक डोरवे खुलता है डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए कि यार हम परफॉर्म करेंगे, तो अभी भी पाकिस्तान टीम का डोरवे हमारे लिए खुला हुआ है। अनफॉर्चुनेट आपको पता जो हालिया जो मामलात होते रहे जिसके अंदर आपने ज्यादा प्रायोरिटी पीएसएल को दे दिया था, या कुछ प्लेयर्स अगर मैं नाम नहीं लेना चाह रहा कि दो तीन अपना वीडियो शॉर्ट्स डाल के सोशल मीडिया के ऊपर वो पीएसएल के मैचेस भी यहां तक खेल गए, तो शायद उस चीज को आप कट ऑफ करने का टाइम आ चुका है, जितना आप इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो कि हमने डोमेस्टिक के अंदर करनी है पाकिस्तान चैंपियंस के नाम से, चैंपियंस के नाम से आपको पता टूर्नामेंट भी स्टार्ट हो रहा है, तो डोमेस्टिक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट और उसके अंदर आपको तलाश करने पड़ेंगे लंबे रेस के घोड़े। सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त पेस बॉलिंग ऑप्शन का आपको नहीं आता, आपको स्पिन बॉलिंग ऑप्शन का आता है। आज हम इब्रार की बात करें, इब्रार के अलावा अगर हम बात करें इब्रार के अलावा बॉलर आपके पास कौन सा है जो आपके जहन में आ रहा है? सर वही तो बात है जो शाकिर साहब ने की है, अगर आपके फास्ट बॉलर्स को विकेट ना मिली पिट गए हम, तो हमारी बॉलिंग में इस वक्त वैरायटी ही नहीं है। मैंने ये आपसे बात की ना सैन भाई, क्योंकि इस चीज पे हैरान था कि आपने बॉलर क्यों नहीं दूसरा डाला हुआ, जब आपके पास फास्ट बॉलर्स हैं ठीक है, पीसी विकेट है, ग्रासी विकेट है, मुझे समझ में सारी आ रही है, लेकिन जिस वक्त स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की बात मैं करता हूं, जहां पर आपके ह्यूमिडिटी लेवल इस पिंडी के अंदर इस वक्त ज्यादा है, बेशक बारिश के पैचेस जरूर मौजूद हैं, जब ह्यूमिडिटी लेवल होता है आपका स्टिकी पिच स्टिकी अपना जो कंडीशंस होती हैं उसमें
ज्यादातर जो बॉल है स्विंग करना थोड़ा सा बंद कर देता है, बैट्समैन को ज्यादा सूट करता है, वहां पर आपकी स्पिन बॉलिंग ऑप्शन जो है वो थोड़ा बहुत आपको फायदा दे जाती है। ये चीजें जो सी हैं अगर बाहर बैठ के समझ में आ रही है तो शायद जो थिंक टैंक बैठा है उनको बेहतर समझ आती है, लेकिन इसको साइम अयूब को शायद इसलिए भी चांस दिया हुआ क्योंकि आपको पता है बॉलिंग भी करवा लेते हैं। उसके बाद आगा सलमान की बात करूं वो भी थोड़ा बहुत इनके माइंड में जिस तरीके से वो भी बॉल करवाते रहे, लेकिन स्पेशलिस्ट स्पिनर होता है वो जरूरी होता है स्क्वाड के अंदर, इसलिए आपके पास कोई स्पिनर नहीं आ रहा। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से आप उठा लें या अंडर 19 लेवल से उठा लें, क्यों, लड़कों का रुझान इस वक्त है फ्रेंचाइज क्रिकेट की तरफ, लोग अब नहीं सोचते डोमेस्टिक का, लोग कहते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में जाएंगे चार ओवर करवाने हैं, फिंगर स्पिन छोड़ दो, बस विकेट टू विकेट करवाते रहो, शायद हमारे दो तीन अपना आउट लग जाए तो टीवी के ऊपर आ जाए तो हम लोग पाकिस्तान टीम के लिए एलिजिबल होंगे। जब तक आप डोमेस्टिक के अंदर लंबे रेस के घोड़े पैदा नहीं करेंगे ये मसले आपको आते रहेंगे। टेस्ट क्रिकेट इंपॉर्टेंट टेस्ट चैंपियनशिप है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान इस वक्त मैंने कहा ना छठे नंबर पर बल के मौजूद है, इंपॉर्टेंट होगा ये दो टेस्ट मैचेस, अगर आप जीतते हैं तो आप जम करोगे चौथे नंबर पे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक हो गया अवैस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शाकिर भाई साहब हमारे साथ अमेरिका से मौजूद थे, शाकिर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उस रात अगर बात की जाए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तो इस वक्त अभी तक जो आउटफील्ड है वो वेट है, टॉस का इंतजार हो रहा है, पूरा पाकिस्तान हमारे समेत इसका इंतजार कर रहा है और हम देखते हैं कि कब तक ये टॉस होगा। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसका नाम भी बहुत ही खूबसूरत है और वो प्रोजेक्ट भी बहुत ही खूबसूरत काम कर रहा है। हम आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंस्टीट्यूट की खिदमात और कामयाबियों के बारे में आगाह करेंगे जो 2018 से बच्चों और नौजवानों के लिए मुख्तलिफ तालीमी और तरबियती प्रोग्राम्स का इनेकाद कर रहा है। इन प्रोग्राम्स में समर कैंप्स भी शामिल हैं जहाँ पर बच्चों को टेक्नोलॉजी के जदीद कोर्सेज जैसे वेब डेवलपमेंट हो गई, मोबाइल एप्लीकेशंस, रोबोटिक्स सिखाए जाते हैं। इन्हीं कोर्सेज के नतीजे में कराची के 11 साल मोहम्मद हुसैन ने अपनी गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए एआई असिस्टेंट रोबोट बनाया है जिसने सबको हैरान कर दिया। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अस्करी साहब जो कि उनके उस्ताद भी हैं। और अस्करी साहब को वैसे देख के निमरा को भी और मुझे भी ऐसा ही लगा कि अस्करी साहब जो है काफी यंग एज में इन लड़कों की जो है वो रहनुमाई कर रहे हैं। मोहम्मद अस्करी आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले बताइएगा एआई के हवाले से, मैंने और निमरा ने काफी ज्यादा सेगमेंट भी किए, एबीएन न्यूज भी इस हवाले से बात करते हैं, हम डिफरेंट प्रोग्राम से बात करते हैं, इसका फ्यूचर क्या है और आप किस तरह से इन प्रोजेक्ट की तरफ आए? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। एआई के हवाले से आपने सवाल पूछा तो एआई मार्केट में इस वक्त फ्यूचर एआई का ही है। सही है, इस वक्त फ्यूचर ऑटोमेशन का है, आप बोलें और काम हो जाए, सेल्फ असिस्टेंट रोबोट्स का है। तो उसी के हवाले से हमने एआई रोबोट, हमने तो नहीं, स्टूडेंट्स ने कहेंगे जो भी प्रोजेक्ट आईएचआई में बनते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंस्टीट्यूट में जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं वो स्टूडेंट्स के आइडियाज़ होते हैं, वो हमसे शेयर करते हैं, हम उन्हें पुश करते हैं, गाइड करते हैं और वो आपके सामने होते हैं। सही, अस्करी साहब ये बताइएगा आपके स्टूडेंट जो हैं हस्टन जो कि समर कैंप्स का आई गेस हिस्सा थे और समर कैंप में ही उन्होंने वो ऑटोमेटिक रोबोट तैयार किया है, वो रोबोट क्या है, क्या काम करता है, हाउ डज इट फंक्शन, वो बना कैसे, उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताइएगा प्लीज। ओके, वो 11 ईयर ओल्ड हसनैन है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया जो वायरल हो रहा है, जो आप सबने देखा होगा। जी हमने अच्छा, वो वर्क ये करता है, उसकी आईज मूव होती है, वो जब बोलता है तो उसका माउथ मूव होता है, वो आपके किसी भी बात का जवाब दे देगा, आपका एज अ असिस्टेंट है वो। सही है, वो आपका एज अ पर्सनल डॉक्टर है, पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल टीचर, आप जो उसे कहना चाहें वो आपके काम कर देगा, जो भी आप सवाल पूछें चाहे वो एआई के रिलेटेड हों, प्रोग्रामिंग के रिलेटेड हों, या आप उसे सोलर पे स्विच करने का कहें, या आप उसे कहें कि वेबसाइट खोल दो कोई, तो वो सारे काम कर लेगा, ऑल इन वन है। अच्छा अस्करी साहब मुझे ये बताइएगा कि इसके अलावा आपके इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे मौजूद हैं और ये तो एक बड़ा ही ज़बरदस्त आपने काम कर दिया, एआई रोबोट बना दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जाके ये और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा, लेकिन बाकी बच्चे किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? बाकी जो हमारे पास पूरी हमारी एग्जीबिशन जो हमने करी थी उसमें 30-35 प्रोजेक्ट्स थे, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थे मुख्तलिफ बच्चों के,
लेकिन जो हम मॉर्निंग शो वगैरह पे और हमने मीडिया की कवरेज, क्योंकि बहुत मीडिया आई थी, उस जो जो हमने कवरेज में प्रोजेक्ट हमने रखे हैं वो तकरीबन 10 to 15 प्रोजेक्ट होंगे लिमिटेड। वो हम हाई क्लास प्रोजेक्ट जो हमारी एग्जीबिशन के थे हम वो लाए। उन प्रोजेक्ट्स में जैसे वेटर रोबोट हो गया, आपको कोई भी फूड सर्व वगैरह करेगा, उसमें हो गया हैंडशेक रोबोट, आप उसके सामने आएंगे वो आपसे हाथ मिलाएगा, उसमें हो गया फायर फाइटिंग रोबोट है, वो जहां भी आग देखेगी, गाड़ी है वो जहां भी आग देखेगी उसकी तरफ वो मूव करेगी और वहां पानी फेंकेगी। और हो गए 6x6 रोबो आर्म, ये बहुत ही टिपिकल और डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था जो यहाँ अंडर 15 जवाब में नाम लेना चाहूंगा उनका, इमाम हुसैन अली इस्लाम इंस्टीट्यूट के, उन्होंने बनाया है। और ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि आप कैमरे के आगे जहां भी हाथ मूव करेंगे वो जो रोबो आर्म है वो आपके साथ वहीं मूव करेगा। मैं हाथ ऊपर लेके जाऊंगा तो रोबो आर्म का हाथ भी ऊपर जाएगा, मैं इसे ग्रिप करूंगा तो रोबो आर्म भी किसी भी चीज को ग्रिप कर सकता है, और वो रोबो आर्म इतना पावरफुल है वो 20 kg तक का वेट लिफ्ट कर सकता है। अरे वाह, अच्छा क्या बात है। जी जी अस्की साहब, आपको हमारी आप आवाज आ रही आपको आवाज है? आ रही है हमारी? जी अब आइए, अब आइए। अच्छा ठीक है अस्की साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है जैसे असिस्टेंट रोबोट है, इसके लिए ये आइडिया आपका था या उन बच्चों का खुद का था, या आपने उनको फिर बाद में गाइड किया कि कैसे बनना है? नहीं, ये मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया, ये आइडियाज हाँ हम नहीं देते हैं, हम थोड़ी सी गाइडलाइन देते हैं। ओके सही है, ये जो बच्चे हैं ये इनहेंस होते जा रहे हैं, ये जो हसनैन है हमारे पास पहले भी रोबोटिक्स उसमें आए थे, हमारे पास जो बच्चे पहले रोबोटिक सेशन में आए थे उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाए थे और इस बार के उनके प्रोजेक्ट वो एडवांस हैं पिछली बार से, वो ठीक। अपने आप को इनहेंस करते जा रहे हैं। जहां तक आइडिया की बात आई कि ये आइडिया किसने दिया, तो ये आइडिया इनके अपने होते हैं, ये सोच इनकी अपनी होती है कि हम ये बना सकते हैं, वो हमसे डिस्कस करते हैं, हम उन्हें गाइड करते हैं, पुश करते हैं, और आपने देखा अच्छा, उसने आप उनको रोबोट गाइड भी बनाया वो करते हैं, आपके पुश भी सामने। करते हैं अस्करी, और मुझे ये बताएगा कि आप उनको इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, वो माहौल वो एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, और इस वजह से वो आपके इंस्टीट्यूशन में आते हैं। जी, बिल्कुल, जो हमारा इमाम हुसैन अली इस्लाम इंस्टीट्यूट है वहाँ हमने जीरो से शुरू किया था, बिल्कुल बेसिक से। अब हमारे पास अपने टूल्स हैं, अपने 3D प्रिंटर्स हैं, वेरी नाइस। और अपने क्या नाम है, पूरी क्लास एयर कंडीशन क्लास है, तो पूरा माहौल, पूरे हमारे सोलर पैनल अपने इंस्टॉल हैं, तो पूरा माहौल, पूरी चीजें, सारे टूल्स जितना हो सकता है हम खुद प्रोवाइड करें। ठीक। और उसके लिए इस वाले रोबोट को तैयार करने में कितना अरसा लगा? AI रोबोट को तैयार करने में 3 to 4 weeks लगे। थ्री ठीक, टू थ्री टू फोर फोर वीक्स वीक्स लगे। लगे। और मुझे अच्छा ये बताइएगा कि लास्टली कि आप अपना भी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, खुद भी एक तरफ स्टूडेंट्स हैं एक तरफ टीचर्स भी? हमने इन एडवांस सोचा है, हाँ जैसे ये AI रोबोट बनाया है, हम एक कार बनाएं जो पूरी सोलर पे चले, वो वेरी गुड। हमारे इन एडवांस प्रोजेक्ट है, हम उसके बारे में वर्किंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इन फ्यूचर आपको देखने को और भी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे चलें, विश यू गुड लक, चलें, गुड विश यू लक गुड फॉर लक। दैट। बहुत शुक्रिया अस्करी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी और ये बड़े ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है। 11 साल उम्र बताई मेरे ख्याल एग्जैक्टली में जिन्होंने इतना अच्छा रोबोट तैयार कर लिया, असिस्टेंट रोबोट। और मजे की बात ये है कि जब वो बता रहे थे मैं ये सोच रही थी भाई कुछ भी काम करने की अब इंसान को तो जरूरत ही नहीं है, सब कुछ आपका रोबोट कर देगा। एग्जैक्टली खैर यहाँ पे वक्त तो चाहते हैं ब्रेक शामिल करने का, ब्रेक शामिल करने लगे और जल्दी से वापस आते हैं, आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक एवरीबडी। आज के सेगमेंट में हम बात करने लगे हैं बहुत ही अहम मौजू पर। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू जो होते हैं उनके मुहर्रिकात क्या होते हैं, वो पहलू किससे जुड़े होते हैं। हम बात करेंगे तालीम की नाकामी से जिंदगी की नाकामी का ताल्लुक। फिर उसके अलावा एक और टॉपिक भी हमने इसमें शामिल किया कि झूठ बोलने के नफसियाती मुहर्रिकात क्या होते हैं, या फिर इस वक्त हमें बहुत सारी माएँ और बहनें देख रही हैं जो कि कंसर्न होती है अपने बच्चों के हवाले से, तो हम बात करेंगे कि बच्चों को जहीन बनाने के तरीके क्या हो सकते हैं। और फिर इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मसला हमारे मौशरे का, वो है मनफी जिंसी ख्यालात, उनकी वजूहात क्या है। उसके अलावा लेंगे आप लोगों के सवालात और जाने के उनके जवाबात, तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं
और इन मौजूदात पर बाय द वे रोशनी डालने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं मशहूर माहिर नफ्सियात हैदर जमान साहब, जो आप लोगों के सवाल के जवाब भी देंगे। हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं नंबर थोड़ा सा बताता चलूं, नंबर नोट कर लीजिएगा 0518901008, 0518901008, और दूसरा हमारा नंबर है 0512624946, 0512624946। बिल्कुल हैदर साहब, सबसे पहला सवाल आपका, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हमें बहुत सारी माएं और बहनें इस वक्त देख रही होंगी जो कि अपने बच्चों के लिए या अपने दीगर छोटे बहन भाइयों के लिए बहुत कंसर्न होती हैं, खासतौर पर लड़कियां, तो क्या ऐसे तरीके होते हैं कि आप अपने बच्चों को जहीन बना सकते हैं? और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जहानत जो होती है वो आपको विरासत में मिलती है, तो क्या ये बात ठीक है या मेहनत के जरिए भी पैदा की जा सकती है जहानत? देखें, सबसे पहले एक चीज आप नोट कर ले, मेहनत को रद्द कर दें। यू कैन नेवर बी अ सक्सेसफुल पर्सन बाय हार्ड वर्क। देखें, हमें अभी तक मेहनत के बारे में जो बताया गया है वो गलत है। देखें, अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनती अल्लाह का दोस्त है। भाई ये किस सिनारियो में कहा गया, इस सिनारियो को समझते हैं। एक इंसान जब इस दुनिया में पैदा होता है तो उसमें एवरेज सलाहियतें हर फील्ड की होती है। एक आम इंसान गाड़ी का टायर बदल सकता है, बिजली के होल्डर में बल्ब डाल सकता है, थोड़ी बहुत नफ्सियात को समझ सकता है, थोड़ी बहुत दवाइयों की समझ उसको है, लैपटॉप की समझ उसको है, मोबाइल पे वो समझता है। तो जिंदगी के हर फील्ड से रिलेटेड आपके अंदर एक एवरेज खूबी है। तो ये जो खूबी है ये आपकी मेरी हम सब की बराबर है। अब होता ये कि रब ने एक न एक खूबी आपके अंदर, एक जिसे हम कहते हैं लामहदूद सलाहियत आपके अंदर रखी है। इमेजिन करें, फर्ज करें मेरे अंदर है लामहदूद सलाहियत साइकोलॉजी की। Exactly. और मैं अपनी फैमिली के प्रेशर में आके मेरे वालिद या वालदा ये मुझे फोर्स करे कि जाओ केमिस्ट्री पढ़ो, तो विद इन 5 मिनट्स माई रिस्पॉन्स इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में लाइक दिस, आई विल गेट स्लीपी। यस यू विल। तो ये जो बोरियत जो है, बोरियत ये खुदा की अजीम नेमतों में एक नेमत है। बेसिकली इट इज एन इंडिकेटर दैट टेल्स यू दैट यू आर नॉट मेड फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड। ये कुदरत की तरफ से एक तोहफा है जो आपको बताती है कि खुदा आप इस फील्ड के लिए बने ही नहीं हो। अब जरा इसका उल्टा सिनेरियो इमेजिन करें। उल्टा सिनेरियो ये है कि मेरे अंदर फील्ड लामहदूद सलाहियत भी साइकोलॉजी की, और मैंने साइकोलॉजी को एज ए फील्ड एडॉप्ट भी किया, तो अब क्या होगा, 24 घंटों में अगर 18 घंटे भी मैं साइकोलॉजी पढ़ूंगा तो बाय द एंड ऑफ 18th आवर आई विल फील प्लेजर रादर देन टायर्डनेस। मतलब 24 घंटों में 18 घंटे अगर मैं साइकोलॉजी पढ़ूंगा तो 18वें घंटे के एंड पर मैं अपने अंदर एक एनर्जी फील करूंगा, वो काम मेरा जुनून बन जाएगा, मेरा शौक बन जाएगा। तो अगर आपको पढ़ाई करते वक्त ये लगे कि आप पढ़ रहे हो तो इट मींस कि आपको इस वक्त जो सबसे शदीद जरूरत है वो अपने आप की, अपने आप को वक्त देने की जरूरत है। मतलब हमारे पास वक्त होता है मोबाइल के लिए भी, व्हाट्सएप के लिए भी, टिकटॉक के लिए भी, दोस्तों के लिए भी, हर चीज, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम अपने अंदर जान के देखें, एक गोता अपने अंदर लगाएं। अपने अंदरूनी सलाहियत को जैसे ही आप पहचान लेते हो ना, ये किस तरह पहचानी जाएगी? देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्ट्रीट में मैं एक ऐसे बच्चे को गुजारता हूँ जिसके अंदर बाय बर्थ फील्ड है, बाय बर्थ सलाहियत है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो तारों की तरफ देखेगा ना चाहते हुए 24 घंटों में उसके ऊपर उस इल्म का नुजूल होगा। मतलब ये कि आप जब तन्हाई में होते हो और आपका माइंड ऑटो पायलट पर होता है तो उस टाइम अपने आप को नोट करने की जरूरत है, होती है कि मेरा माइंड प्रोसेस क्या करता है। अगर उस प्रोसेसिंग में रिफ्लेक्शंस आती हैं, आपके अंदर जो सलाहियतें हैं वो उनकी अक्कासी होती है, उनकी रिफ्लेक्शंस आपको नजर आएंगी। तो देखिए, 24 घंटों में एक इंसान के जहन में 62,000 ख्यालात लैंड करते हैं एंड टेक ऑफ। माय गुडनेस। एक फिर से बताइए, आते और जाते हैं। 24 आवर्स में 62,000 थॉट्स आपके माइंड के ऊपर लैंड करते हैं। इसमें मिनिमम जो होते हैं 100 थॉट्स, वो आपकी लामहदूद सलाहियत से रिलेटेड होती है। बस अपने आप को नोट करने की जरूरत है, अपने आप को वक्त देने की जरूरत है। जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया ना कि यार मैं तो बना ही इस फील्ड के लिए हूं, तो फिर होगा ये कि फिर नाकामी आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, यू विल बी ऑलवेज ऑन द टॉप। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। रहीम शाह का नाम आपने सुना, जी, जी, सिंगर, और
शाहिद अफरीदी का नाम, अगर शाहिद अफरीदी को उसका बाप कहता कि जाओ बच्चे गाने गाओ और रहीम शाह को उसका वालिद कहता कि जाओ बच्चे क्रिकेट खेलो, तो आज दोनों इस मौसम में पकौड़े बेच रहे होते। दिस इज द रियलिटी। एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन हैदर साहब ये बताइएगा कि एक तो चले आप बता रहे हैं ना कि बड़ा अच्छे तरीके से आप बता रहे हैं कि किस तरह से खुद को इंसान को एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन बच्चा जो होता है वो तो बहुत छोटी उम्र में होता है ना, उसको तो ये चीजें नहीं पता होती, तो पेरेंट्स किस तरह से बच्चों की मदद कर सकते हैं? अच्छा, या वो किस तरह जान सकते हैं? मैंने कहीं पे पढ़ा है, नहीं सॉरी सुना है, इसका रेफरेंस मेरे पास नहीं है, लेकिन बात मैं बता देता हूँ। ज्यूज यहूद इस वक्त दुनिया के 100% मीडिया और 80% वर्ल्ड रिसोर्सेज पर काबिज हैं। Exactly. जब ज्यूज को पता चल जाता है कि यार एक औरत उनके घर में प्रेग्नेंट है, तो उनका एक्सपोजर बाहर दुनिया से बंद कर देते हैं। हस्बैंड और वाइफ आवाजें बुलंद एक बंद कमरे में एक प्रैक्टिस करते हैं। हस्बैंड अपनी वाइफ से पूछता है कि यार अगर चार बंदे एक काम चार दिन में करते हैं तो वही काम आठ बंदे कितने दिनों में करेंगे? दीज आर कॉल्ड एज मेंटल मैथ्स, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। अच्छा, जो हम सोचते हैं उससे हमारी बॉडी इफेक्ट होती है। सही। जब हस्बैंड अपनी वाइफ से इस किस्म के क्वेश्चंस पूछता है तो वाइफ को फोर्स होती है अपनी इंटेलिजेंस पावर को इस्तेमाल करने में, और जो ही वो अपनी इंटेलिजेंस पावर को इस्तेमाल करती है तो उसका उसकी बॉडी उस इंटेलिजेंस पावर के यूजेस से मुतासिर होती है, इससे इसका बच्चे पर भी वो इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पर अलमिया ये है कि एक तो गांव में हमारे घर बड़े होते हैं, शहरों में घर डबल स्टोरीज होती है, और हमारी जो माएं हैं बहनें हैं वो हाउसवाइफ्स हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जियो और ARY के ड्रामे देख देख के बच्चे पैदा होते हैं। अगर वो भी ना हो तो सास और बहू के वो जो लामुतनाही सिलसिला, ना खत्म होने वाला सिलसिला वो होता है। तो अगर यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा सूरह रहमान को, दैट इज अ मिरेकल। इफ यू वांट टू हैव एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, खुदा के लिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आप सूरह रहमान की तिलावत बार बार किया करें, बार बार किया करें, इसका इम्पैक्ट आपके होने वाले बच्चे पर जरूर पड़ेगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी मुझे बताइएगा, डॉक्टर वैसे कह गया आप मायरे नफ्सियात हैं, सॉरी, कि कोई भी इंसान है जो झूठ बोलता है, इसके क्या मुहर्रकात होते हैं और इसमें कुछ साइकोलॉजी का इफेक्ट होता है? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि यार बच्चा किस उम्र में उमूमन झूठ बोलना सीखते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? तकरीबन 10 साल में। नहीं, उससे भी पहले। उससे भी पहले। अच्छा, बच्चे ने मदर टंग नहीं सीखी होती, वो झूठ बोलना सीख जाता है। यस। अच्छा, पैदाइश से लेके 2.5 ईयर जो फीडिंग का टाइम होता है उसी दौरान बच्चा झूठ बोलना सीख जाता है। इसकी क्या रीजन है? देखिए, एक बच्चा जिस कमरे में पैदा होता है ना, तो उसके लिए डॉक्टर, नर्स, माँ बाप, हर चीज अजनबी है। वो अपने अजनबियतपन का इजहार रोने से करता है, तो उसका ट्रस्ट का पहला रिश्ता माँ के साथ बन जाता है जब माँ उसे फीड कराना शुरू कर देती है। यहाँ पे ये होता है कि हमारी जो खवातीन है वो हाउसवाइफ है, वो बच्चे को दूध पिला के एक कमरे में सुला देती है और घर के किसी दूसरे काम में बिजी हो जाती है। अब 24 घंटों में बच्चे को 3 मिनट का रोना ये बड़ा जरूरी है कि अगर वो फॉर एग्जांपल 10 दफा दूध पीता है तो आप 10 को 3 पे तकसीम करें तो 15 सेकंड 20 सेकंड बन जाते हैं। आपने बच्चे को 15-20 सेकंड तक रोने देना है, उसके बाद दूध पिलाना शुरू कर देना है, क्योंकि रोए बगैर अगर आप दूध पिलाओगे तो वो पप्पू बन जाएगा, मतलब आपने उसे वो हार्ड वर्किंग जो एफर्ट का जो एलिमेंट है वो बाय बर्थ आपने उसका खत्म कर दिया। लेकिन अगर यही बच्चा जिसे ट्रस्ट है अपने रोने पर और वो रोए और उसके रोने की आवाज माँ 10 मिनट तक ना सुने, तो 10 मिनट के बाद यही रोना हिचकियों में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसी वो हिचकी आ जाती है तो पहली फ्रीक्वेंसी जिसे एडलर ने डिफाइन किया था वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, तो वो ट्रस्ट से उठ के मिसट्रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक दफा उसका बाय बर्थ मिसट्रस्ट डिवेलप हो गया, तो ऐसे बच्चे को अगर आप खाना काबा से 7 तवाफों के बजाय 700 दफा घुमाएं, अब जमजम पे नहलाएं, लेकर आए, ना वो माँ की बात मानेगा, ना वो बाप की बात मानेगा, ना वो टीचर की बात मानेगा, करेगा वो जो उसका दिल करेगा। अब उसने झूठ बोलना पक्के तौर पे सीख लिया है, इचकियों की वजह से, मिसट्रस्ट की वजह से, मिसट्रस्ट की वजह से। दूसरी एक चीज देखें, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने पड़ोसी से जेलस हो रहा हूं और इस जेलसी में मैंने कुछ सांप अपने घर में पाले कि यार मैंने ये सांप उनके घर में छोड़ने हैं, तो आपके पास ये गारंटी है कि वो सांप मुझे नहीं काटेगा? कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं।
इस तरह जब आप अपने माइंड को इस बात के ऊपर ट्रेन कर लेते हो ना कि यार मैंने झूठ बोलना है, तो आपके माइंड ने झूठ बोलना सीख लिया। अब इसका बड़ा नुकसान ये नहीं है कि आपने सामने वाले से झूठ बोला, आपका माइंड अब आपसे भी झूठ बोलना शुरू कर देगा, आपको वो ख्यालात देगा जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं होगा। यार डिप्रेशन किसे कहते हैं या एंजाइटी, दीज आर ऑल अ काइंड ऑफ मेलाडॉप्टिव थॉट्स, इनकम्प्लीट थॉट्स। ठीक, अच्छा जी, मोहम्मद नोमान एक कॉलर हमारे साथ मुल्तान से मौजूद है। नोमान अस्सलाम वालेकुम, सवाल बताइएगा। वालेकुम सलाम, मेरी हैदर जमान से अर्ज है कि हम अपने ज़हनी तवाज़ुन को खुशगवार रखने के लिए कौन से इकदामात कर सकते हैं? गुड क्वेश्चन जी, बहुत शुक्रिया, गुड क्वेश्चन। अच्छा, ज़हनी सवाल जरा इनका रिपीट करें। इन्होंने कहा कि हम मेंटली स्टेबल किस तरह कर सकते हैं खुद, मतलब कि माइंड में कुछ ज्यादा चीजें इधर उधर की ना, कौन सी एक्टिविटीज या क्या किस तरह क्या एकदम मेंटली आप स्टेबल रहें। देखिए, अगर आपने मेंटली स्टेबल हो गए तो ये याद रखे कि जहन जो है वो आपके सोच से भी तेज काम करता है। मैं फॉर एग्जांपल 3 घंटे की मूवी है, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं जब वो मूवी देखूंगा तो इट विल टेक 3 आवर्स, 3 घंटे लगेंगे मुझे उस मूवी को देखने। लेकिन दोबारा उसी मूवी को देखने के लिए मुझे, आपको पता है, नैनो सेकेंड से भी कम टाइम चाहिए उस पूरी मूवी को देखने के लिए। मूवी तो छोड़े, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और मैं आपको एक बस स्टॉप के ऊपर देख लूं, जैसे ही मैं आपको देखूंगा तो आपकी 30 साल की जिंदगी मेरा माइंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स देख लेगा। तो मतलब ये कि आपका माइंड आपकी सोच से भी ज्यादा तेज काम करता है। तो ये हर स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है। जब स्टिमुलस रिस्पॉन्ड इस तरह आते हैं तो एक आर्टिफिशियल सा गर्दो गुबार हमारे माइंड में सोचों की शक्ल में आ जाती है। इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आपने सबर का दामन इख्तियार करना है, और सबर भी कितना, 0.45 सेकेंड सबर, सालों वाला नहीं, हफ्तों वाला नहीं। आपने रद्द अमल से पहले 0.45 सेकेंड का आपने गैप देना है। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। एक शख्स अपने घर गया तो उसके बच्चे के हाथ में 2 सेब थे, तो उसके वालिद ने उसे कहा कि यार एक सेब मुझे भी दे दो। तो बच्चे ने एक सेब से भी कट मारा, दूसरे सेब से भी कट मारा, तो बाप को गुस्सा आया, उसने चपेट मार दी। यही कहानी मैं दोबारा सुनाता हूँ। एक बच्चे के हाथ में 2 सेब थे, उसका वालिद आया, वालिद ने कहा कि बच्चे एक सेब मुझे भी दे दो। तो बच्चे ने एक सेब से भी कट ले लिया, दूसरे सेब से भी कट ले लिया। अब बाप ने 0.45 सेकेंड का गैप ले लिया, तो बच्चे ने आगे से कहा कि बाबा ये सेब पीका है और ये मीठा है। तो आपको रियलिटी समझने के लिए अपने 24 घंटों में अगर आपने 0.45 सेकेंड, जो सेकेंड का आधा हिस्सा भी नहीं है, हर स्टिमुलस के अगेंस्ट इतना गैप रखें, आप मेंटली स्टेबल होंगे, कभी अनस्टेबल नहीं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, हमारे साथ कॉलर हैं जुबैदा लाहौर से। जी जुबैदा साहिबा, फरमाइएगा, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर, मेरा बच्चा ना आता है तो खामोश खामोश रहता है, ऐसे ज्यादा बात नहीं करता मेरे से, खुल के किसी के लिए घर में आया, थोड़ा अपना काम थोड़ा खाया पिया, अकेडमी चले गए, स्कूल में पढ़ लिया बस। लेकिन थोड़े दिन पहले इसने ऐसा काम किया कि घर से चला गया, दूर चला गया, एबटाबाद लाहौर से एबटाबाद चला गया। तो ना हमें पता, यहाँ से ना तकरीबन 4-5 माह पहले ना हमारे यहाँ पे ना सामने किराएदार आए थे, वो लड़की थी, उस लड़की के पीछे पीछे वहां तक चला गया, ना घर में किसी को बताया, मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ। ठीक है, ठीक है। 14 साल उनकी उम्र है? 14 साल बताया, 11 साल, एक सेकेंड, 16-17 साल का बच्चा है जो कि खामोश रहता है और इतनी बातचीत नहीं करता। और कुछ रोज पहले कोई लड़की उनके घर पे रहती थी किराएदार, उसके साथ वो फिलहाल में लाहौर या एबटाबाद निकल गए। ओके, और घर पे किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। देखें, ज्यादा बातचीत भी नहीं करता। ओके, यहाँ पर जो सबसे अहम इशू है, देखिए, हम ट्रेंड पेरेंट्स नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हम ट्रेडिशनल पेरेंट्स हैं। शेरशाह सूरी के वक्त से पेरेंटिंग का जो स्टाइल चलता आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, वही हम फॉलो कर रहे हैं। मैं अगर इनसे पूछ लूं कि यार, या मैं आपसे पूछ लूं सर कि आपने क्या शादी से पहले पेरेंटिंग का कोई कोर्स किया था? नहीं किया था। जो ट्रेडिशनल चीजें थी वही हुई है। हाँ जी। तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आने वाला दौर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आपके बेटे के हाथ में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है एंड्रॉइड की या आईओएस की, इससे वो आपकी सोच से भी बढ़कर उसका इस्तेमाल कर सकता है। अब यहां पर बात है गाइडेंस की।
बच्चे ने ऐसा किया क्यों, हम इसको जरा पहले समझते हैं। देखिए, काम के एतबार से हम इंसानी जहन को तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज नियोकॉर्टेक्स ब्रेन। नियोकॉर्टेक्स ब्रेन में शऊर होता है, कॉन्शियस। कॉन्शियस क्या क्या काम करता है? कॉन्शियस आर्गुमेंट्स करता है, रीजनिंग करता है, दलाइल देता है, लॉजिक पे चलता है, लॉजिक इसमें होती है, इंटेलिजेंस इसमें होती है। तो ये है आपका नियोकॉर्टेक्स ब्रेन। सेकेंड पार्ट इज योर लैम्बिक ब्रेन। आपके मामलात, इबादात, इखलाकियात, तालीम, तजुर्बा, अकीदा, मजहब, सही, आपके एक्सपीरियंस, बिलीव्स, ये सारे आपकी मुकम्मल शख्सियत आपका लैम्बिक ब्रेन है। द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज रेप्टिलियन ब्रेन। एक तो रेप्टिलियन ब्रेन ऑटो पायलट पर होता है, सबकॉन्शियस नहीं, इसे अरबी में कहते हैं नफ्स अमारा। जी ओके, नफ्स अमारा। अगर इसको मैं और आसान करूं तो यूं समझ ले कि शैतान का घर ही यही है। इंसान जितने भी गुनाह करता है वो अपने रेप्टिलियन ब्रेन से करता है। ठीक। तो अब होता क्या है कि जिस तरह पंखे का एक बटन होता है या लाइट का एक बटन होता है, उसकी दो कंडीशन है, या ऑन या ऑफ। इसी तरह ह्यूमन ब्रेन के लिए भी यही कंडीशन है। जब आपका रेप्टिलियन ब्रेन एक्टिवेट होता है तो आपके ये जो दो पार्ट है, यहां पर ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। मतलब आपकी जहानत किसी काम की नहीं होती, आपका ईमान, अकीदा, तजुर्बा वो भी किसी काम का नहीं होता, दिमाग पे राज रेप्टिलियन ब्रेन करता है। इंसान जब भी अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होता है तो वो अट्रैक्ट होता है ड्यू टू हिज रेप्टिलियन ब्रेन। ठीक। जब वो अपने रेप्टिलियन ब्रेन का इस्तेमाल करेगा, सही, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इन्होंने जो क्वेश्चन पूछ, इनका जो प्रॉब्लम है, इनको मैं और भी थोड़ा सा आसान करके बताऊं। फॉर एग्जाम्पल सर, आपके सामने ये गिलास पड़ा हुआ है, आपकी आंखों के सामने इस पानी में मैं पेशाब का एक कतरा डाल देता हूं और आपको कहता हूं इसको पियो, या किसी भी नॉर्मल इंसान से कहूं कि इसको पियो, वो नहीं पिएगा। लेकिन फर्ज करें आप सहराए आजम में कहीं घूमने गए हो और आप अपने दोस्त चढ़ गए, अब ना खाने को कुछ है ना पीने को कुछ है, ऊपर 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिस्म का सारा पानी खुश्क हो गया है, अब सूरज गुरूब हो गया रात को, आपने सोचा कि अगर कल मुझे कुछ पीने को नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। अगले दिन फिर सूरज निकला, 12 बजे हैं, आप करीबन मर्ग हालात में हो, अब मैं आपको ये पानी ऑफर करता हूं, अब आप पियोगे? बिल्कुल पियोगे, क्योंकि इस पानी को पीने के लिए पहले रीजन नहीं था, अब रीजन आ गया। तो अभी मैं इनसे कहता हूं कि यार आपके बेटे ने जो ये हरकत की है उसके पास रीजन था, आपने उससे वो रीजन ही नहीं दिया, वो आपकी रिस्पेक्ट क्यों करे? अगर आप ये चाहते हो कि यार वो मेरा बच्चा है, हम उसे खिलाते पिलाते, भाई ये रीजन कम है। आप जरा सोचे ना, हजरत इमाम हुसैन के पास रीजन बड़ा था या वाकई करबला बड़ी थी? रीजन बड़ा था। रीजन बड़ा था तो प्रॉब्लम छोटी हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रीजन बड़ा था या ताइफ का वाकया बड़ा था? रीजन बड़ा था। तो अगर आप अपने बच्चे को बड़ा रीजन देती तो आज ये वो ना करता। तो इनको रीजन तलाश करने की जरूरत है। रीजन डेफिनेटली क्यों? अच्छा, यहाँ पे रीजन क्या है? रीजन क्या है ये शॉर्ट? ये रीजन हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है। ओके जी। अच्छा, रीजन है दैट इज करियर। अगर आप इसकी करियर काउंसलिंग नहीं कर सकती, सही, तो अगर नेक्स्ट कोई प्रोग्राम चला जिसपे मैं करियर बिल्डिंग के ऊपर बात करूंगा तो मैं उन्हें यही कहूंगा कि प्लीज डोंट मिस दैट। चलें जी, अपने बच्चे की करियर काउंसलिंग करवाएं और जानने की कोशिश करें कि वो असल में चाहते हैं क्या, उनसे बात करें, कम्युनिकेट करें। जब आप उनसे बात करेंगी, जुबैदा साहिबा थी मेरे ख्याल में गालिबन, तो जुबैदा साहिबा आपके बच्चे के जो मसाइल है जब आपको वो पता चल जाएंगे तो आप उनका साथ दें, वो आपका साथ देंगे। सो आई थिंक सो कि ये मसला तब हल हो जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी। हैदर साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की सुबह की सोच। आप सबने अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना है। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।